نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا. بزرگو اور بھائیو، اگر اردو آپ حضرات کے سمجھ میں نہ آئے اچھی طرح سے تو میرے پاس بنگلہ ترجمہ کرنے والے بڑے مولانا ہیں، تو بے تکلف بولیو تو میں ان سے ترجمہ کرواؤں گا، پر سمجھ میں آ جائے تو سمجھتے رہو. میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی. عام طور پر نمازوں میں یہ چھوٹی سورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی سورتوں میں بڑے دین کے بڑے اہم مضامین نچوڑ اور خلاصے کے طور پر بیان کیے گئے ہیں. چند آیتوں میں بڑے بڑے مسئلے مختصر کر کے، خلاصہ کر کے ان چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں، تاکہ یہ صورتیں نمازوں میں ہم بار بار سنیں تو دین کے وہ بنیادی عقیدے اور وہ بنیادی باتیں دین کی ہمارے ذہنوں میں آ کر بیٹھ جائیں. یہ ایک صورت ہے جس میں انسان کی تین زندگیوں کا تذکرہ ہے. ہماری لائف ایک تو یہ ہے جس لائف میں فی الحال ہم ہیں، اس کا کون انکار کرے گا؟
जिस लाइफ में हम प्रेजेंट टाइम में फिलहाल जिस लाइफ में हम हैं, इसका कौन इनकार करेगा? अलबत्ता इस लाइफ का हासिल समझाना जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने एक तो हमारी इस दुनिया, इस लाइफ, इस जिंदगी का हाल भी हम किया है, इस जिंदगी का जनरली उमूमी आम तौर पर हमारी इस दुनिया का क्या हाल है। इस दुनिया के बाद मेरे भाइयों कब्र की दुनिया आ रही है, इस दुनिया के बाद हमारी कब्र की दुनिया आ रही है जिसको बरज़ख की जिंदगी कहते हैं। ये जो जिंदगी आगे आ रही है, इस जिंदगी के बाद जो कब्र की और बरज़ख की जिंदगी आ रही है, इसमें गैरों को नहीं, बहुत से मुसलमानों को तज़ज़ुब होता है, शक होता है। आम मुसलमान जो दीन पढ़े हुए हैं, दुनिया की एजुकेशन लिए हुए नहीं है, उनको तो कुछ ज्यादा तज़ज़ुब नहीं होता। लेकिन वो मुसलमान जो दीन कम पढ़े हुए हैं, दुनिया के एजुकेशन लिए हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा तज़ज़ुब होता है। अज़ाब कब्र का मसला जब बयान किया जाए तो उनकी खोपड़ी में नहीं घुसता। वो कहते हैं अज़ाब कब्र में अज़ाब कैसे होगा? हमारी बॉडी कब्र में गई, टूट फूट करके, गल सड़ करके मिट्टी हो गई, हम खत्म हो गए, अब अज़ाब कैसा? तो इन बंदों की जो एजुकेटेड पब्लिक है, दीन कम पड़ी हुई है, दुनिया ज्यादा पड़ी हुई है, उनको तज़ज़ुब व शक रहता है, उनकी खोपड़ी में बात नहीं घुसती। वो क्या कहेंगे? कुरान में अज़ाब कब्र का जिक्र दिखाओ। क्यों भाई? हदीस से हुज्जत नहीं है? जो तुझे कुरान ही में अज़ाब कब्र दिखाए तो तू माने, हदीस से हुज्जत नहीं है? हदीसों के बाद फिर सहाबा के इरशादात हैं। क्या सहाबा के इरशादात हुज्जत नहीं? सहाबा के इरशादात के बाद उम्मत की यूनिटी इजमा हुज्जत है। तमाम मुसलमानों का सहाबा के जमाने से लेकर आज तक तमाम उम्मत का किसी बात पर इत्तेफाक, जो हुज्जत है कतई, क्या ये हुज्जत नहीं जो तुझे हर मसला कुरान में दिखा? ऐसे बंदों से कहा जाए कि भाई दाढ़ी रखना जरूरी है, वाजिब है, वो कहते हैं कुरान में दिखाओ दाढ़ी का जिक्र कहा है। वो यार कुरान में जो बात ना आए वो मानने की नहीं। इसको कहते हैं कि नाचना नहीं आंगन टेढ़ा। इससे कहा नाचने वाली से नाच, उसको नाचना नहीं है। तो उसने कहा कैसे नाचूं, तुम्हारे घर का आंगन टेढ़ा है। तो नाचना नहीं है, बहाना कोई और है, मानना नहीं है, कहना कुछ और है, तो कुरान में दिखाओ। मेरे भाइयों ऐसा लोग क्यों करते हैं? मानना नहीं है। अगर सारी बातें क्लियरली तफसील से कुरान करीम में होती तो फिर हदीसों की क्या जरूरत? और सारी बातें हदीसों में होती तो उम्मत की यूनिटी की क्या जरूरत थी? फिर उसके बाद सहाबा के जो इरशादात थे उसकी क्या जरूरत थी? सहाबा के बाद अइम्मे मुज्तहिदीन के जो इरशादात थे उनकी क्या जरूरत थी? लिहाजा समझो बात को, हर वो बात जो कुरान में क्लियरली आई है या हदीसों में क्लियरली आई है
या उम्मत की यूनिटी है, या सहाबा के इरशादात में वो बात आई है, या मुज्तहिदीन ने फरमाई है, वो सब दीन की बात है। हजरत अली करमल्लाह तआला वजहू फरमाते हैं और उनका इरशाद तिर्मिजी शरीफ में किताब तफसीर में इसी सूरत की तफसीर में इमाम तिर्मिजी ने रिवायत किया है। हजरत अली करमल्लाह तआला वजहू ने फरमाया कि हमें अजाब कब्र के सिलसिले में तजब्जुब था। देखो जब हजरत अली जैसे को तजब्जुब हो सकता है तो माओ शुमा का क्या शुमार है। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे अजाब कब्र के सिलसिले में तजब्जुब था, यहां तक कि ये सूरत नाजिल हुई तो हमें यकीन हो गया क्योंकि इस सूरत ने अजाब कब्र का जिक्र क्लियर भी कर दिया। और जब कुरान करीम में कोई बात वाजे तौर पर आ गई तो एक मोमिन के लिए शक को शुबा की कोई बात नहीं रही। मैंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी कुरान में दिखाओ, चला कुरान में दिखाओ। जब मूसा अलैहिस्सलाम दूर पर से लौटे, देखा पीछे बनी इसराइल ने बछड़ा बना करके उसकी पूजा शुरू कर दी। सारे बनी इसराइल ने नहीं, काफी लोगों ने, बनी इसराइल में से काफी लोग गुमराह हुए और सामरी ने जेवरात से बछड़ा बनाया पिघाल कर, और बनी इसराइल के बहुत से लोग उस बछड़े की पूजा में लग गए और कहा हमारा खुदा ये। और बाकी सही रहे, जब हजरत मूसा अलैहि सलाम तूर पर से तौरात लेकर वापस आए तो उन्होंने गुस्से में, हजरत मूसा अलैहि सलाम जलाली थे, तौरात की तहसीया डाल दी, पर हजरत हारून अलैहि सलात व सलाम की दाढ़ी और सर पकड़ करके खींचा और कहा जब ये लोग गुमराह हो गए थे तो तू गुमराहों को छोड़ देता और जो सही बंदे थे उनको लेकर तू तौरा पर क्यों नहीं आया। तो हजरत हारून ने कहा देखो हजरत हारून उम्र में मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े हैं, हजरत हारून उम्र में मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े हैं पर मर्तबे में और इल्म में छोटे हैं। तो उम्र में जो बड़ा होता है उसका भी एक रिस्पेक्ट होता है, लेकिन अगर छोटा इल्म फजल में मर्तबे में बड़े भाई से बढ़ जाए तो फिर अब छोटे भाई का रिस्पेक्ट हो, ये कायदा समझो। कभी बड़ा भाई उम्र में बड़ा होता है, छोटा भाई छोटा होता है, तो छोटे पर जरूरी है कि बड़े का रिस्पेक्ट करो। हदीस में है कबीर बे मंजिलत वालिद, बड़ा भाई ऐसा समझो जैसे बाप, बड़ा भाई ऐसा समझो जैसे बाप बाप, बाप का रिस्पेक्ट जरूरी है औलाद के जिम्मे, छोटे भाई के जिम्मे बड़े भाई का रिस्पेक्ट जरूरी है। लेकिन अगर छोटा भाई इल्मो फजल में बढ़ जाए तो फिर अब बड़ा भाई छोटे भाई का रिस्पेक्ट करे। अब भाइयों को छोड़कर बात आगे बढ़ो, दो आदमी, एक उम्र में छोटा है दूसरा उम्र में बड़ा है, तो जो उम्र में छोटा है वो बड़े का रिस्पेक्ट करेगा। हदीस शरीफ में है मतलब युवती कबीरना, जो बंदा बड़ों का इल्टर कोई भी बड़ा बड़े का की ताजीम नहीं करता, बड़े का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो हम में से नहीं। लेकिन अगर छोटा इल्मो फजल में बढ़ जाए तो अब बड़ी उम्र के लोगों के लिए जरूरी है कि उस छोटे का रिस्पेक्ट करें जो इल्मो फजल में बड़ा हुआ। देखो आकाए दो जहां
और आपके चचा हजरत अब्बास, हजरत अब्बास चचा थे, हुजूर भतीजे थे, चचा उम्र में 2 साल बड़े थे और हुजूर अपने चचा से उम्र में 2 साल छोटे थे। एक मरतबा किसी ने पूछा हजरत अब्बास से, चचा से किसी ने पूछा कि बड़े आप थे हैं या हुजूर? क्या जवाब दिया? कहा बड़े तो हुजूर हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा है। देखो भाई, समझता समझता कोई नहीं, ये लोग समझते समझते नहीं और सामोखा बैठने में क्या फायदा? आओ चले जाओ, आपको समझाओ इन्हें बात को। समझ रहे हैं, समझे होते तो इस बात के ऊपर तुम्हारे चेहरों पर खुशी खिलनी चाहिए। जो मैंने बात कही है इस बात पर तुम्हारे चेहरे बदल जाने चाहिए। मैं देखा कोई भी नहीं समझा, सीरियस नहीं और से सुन रहे, बेकार बातें करते हो। जब मैंने ये बात कही तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि बड़े तो हुजूर हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा है। ये बात सुन करके चेहरों पर तब्दीली आनी चाहिए, कितना कीमती जवाब दिया, मगर तुम्हारे चेहरों पर कोई तब्दीली नहीं आई। इनको मैं समझता हूँ तुम उर्दू उर्दू समझते हो, समझते कुछ भी नहीं समझते। ये जुमले में क्या है? देखो अब देखो सुने, पीछे भी तर्जमा बंगला का हो रहा है, इनको जाना हो वहाँ चले जाओ। इंग्लिश का भी पीछे अंग्रेजी भी हो रहा है। तो देखो हजरत अब्बास, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना कीमती जवाब दिया, इसमें यह है कि हजरत अब्बास ने हुजूर का रिस्पेक्ट किया। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, ये कहा बड़े हुजूर हैं मगर उम्र मेरी ज्यादा है। इस जवाब में हजरत अब्बास ने हुजूर का एहतराम मलहूज रखा है और एहतराम मलहूज रखकर जवाब दिया। और ये तो आम बात है, नबी ये बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में बहुत से सहाबा उम्र में हुजूर से बड़े थे मगर वो सब हुजूर का रिस्पेक्ट करते। और उसको भी रहने दो, आज भी इस मजमे में बहुत से मुझसे उम्र में काफी बड़े होंगे लेकिन वो मेरा एहतराम करते हैं, मैं उनका छोटा हूँ, एहतराम करते हैं। क्यों एहतराम करते हैं? वो ये समझते हैं कि इल्म में बड़े हुए हैं, बस उम्र और इल्म में तारुज हो जाए, उम्र और इल्म के अंदर मुकाबला हो जाए तो फिर उम्र का लिहाज नहीं है, इल्म उम्र का लिहाज है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उम्र में छोटे हैं, हजरत हारून अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े हैं, लेकिन फजल में कमाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई की दाढ़ी और सर पकड़ करके डांटा कि जब तूने देखा कि कुछ लोग बछड़े को पूजने में लग गए या गुमराह हो गए तो तू उन बनी इसराइल को जो राह रास्त पर थे उनको लेकर तू ऊपर क्यों नहीं आया, इनके साथ क्यों रहा? तो हजरत हारून ने जवाब दिए, यब्न उम्म ला ताखुद बिलहियती वला बिरासी, ऐ मेरे माँ जाए, जाए उर्दू का लफ्ज है, उसके माने हैं बेटे, उर्दू का लफ्ज है, आमतौर पर बोला नहीं जाता। उर्दू की एक मसल है मछली की जाए कंतेराए,
मछली का बच्चा, उसको तैरना कौन सिखाएगा? मछली की जाए, जाए माने मछली का बच्चा कम तैरा है, कौन तैरना सिखाएगा उसको? तैरना सिखाने की क्या जरूरत? मछली के बच्चे को कहीं तैरना सिखाना पड़ता है? तैरना तो उसके नेचर में है। तो वो जो उर्दू का मुहावरा है मछली की जाए, तो जाए उर्दू का खास लफ्ज है जिसके माने हैं बेट बच्चा। तो कहा यबना उम्मी, अरे मेरे माँ जाए, यानी माँ शरीक भाई, आप मेरी दाढ़ी न पकड़ें और मेरा सर न पकड़ें। मैं इन लोगों के साथ इसलिए रहा और आपके पीछे टूर पर इसलिए नहीं आया कि अगर मैं ऐसा करता तो आप कहते कि तूने बनी इसराइल को डिवाइड कर दिया, दो हिस्से बना दिए, एक पीछे छोड़ दिया, एक को लेकर आ गया, इसलिए मैं इनके साथ ही रहा। अब जब आप आएंगे तो जो होना है होगा, और मैं हिदायत पर जमे हुओं को लेकर टूर पर आ जाता है, इन गुमराहों को यहीं छोड़ देता है, तो आप मुझे इल्जाम देते हैं कि तूने बनी इसराइल को बांट दिया। वो शानदार जवाब दिया, माकूल जवाब दिए। इस आयत में क्या है? दाढ़ी पकड़ी, सर के बाल पकड़े, सर के बाल कब पकड़ेंगे? ये भाई जिनके सरों पर बाल नहीं है, इनके सर के बाल पकड़ के तुम खींचो, कहां से खींचो? जिसके सर पे बाल हैं बड़े बड़े, वही तो पकड़ के खींचे जाएंगे। और छोटी छोटी दाढ़ी, मौजूदी दाढ़ी, एक दाढ़ी की किस्म है मौजूदी दाढ़ी की, तीन किस्म है। एक है अल्लाह के हबीब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तमाम सहाबे किराम की, तमाम उम्मत के नेक बंदों की दाढ़ी है। वो दाढ़ी ये है कि एक मुश्त रखकर गाइब काटना चाहे तो काट दे, सुन्नत है काटना। एक मुश्त दाढ़ी है, ये हुजूर की दाढ़ी है, सहाबा की दाढ़ी है, उम्मत के तमाम नेक बंदों की दाढ़ी है। और एक उसकी मुकाबिल कुछ नहीं, सफा चट कल्ला सब पता लूंगी, ये हिजड़ों की दाढ़ी है। हिजड़ों को जानते हो? ये हिजड़ों की दाढ़ी है। किताबों में, फिका की किताबों में लिखा है कि जो लोग दाढ़ी मुंडाते हैं वो मुखन्नसतुर रिजाल हैं। और ये सिलसिला सबसे पहले टर्की में शुरू हुआ, फिर टर्की वर्की तो गई, फिर गैरों का यह तरीका था, हिंदू दाढ़ी मुंडाते हैं, ईसाई मुंडाते हैं, ये लोग मुंडाते हैं, तो जो एजुकेटेड मुसलमान थे उन्होंने वो तरीका इख्तियार कर दिया। असल तो टर्की में जो हिजड़े थे, हिजड़ा मर्द देखने में मर्द होता है, हकीकत में कुछ और होता है, तो टर्की में जो हिजड़े थे सबसे पहले उन्होंने दाढ़ी मुंडानी शुरू की, फिर बाद में ये चलता गया और मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ रले मिले, तो हिंदू भी दाढ़ी मुंडाते हैं, ईसाई भी दाढ़ी मुंडाते हैं, यहूदी भी दाढ़ी मुंडाते हैं, तो उनके साथ रलने मिलने की वजह से मुसलमान भी दाढ़ी मुंडाने लगे। और एक दरमियान में है, दाढ़ी रखता है मगर इतनी इतनी खशखशी, पकड़ो पकड़ना चाहो तो हाथ में ना आए। मेरे भाइयों, ये मौजूदी दाढ़ी है। मौलाना मौजूदी ने ये लिखा है कि बस दाढ़ी इतनी रखनी जरूरी है कि देखने वाला ये समझे कि इसने दाढ़ी रखी है, वो ये न समझे कि इसने हफ्ते से शेव नहीं किया। ये दाढ़ी मूंदते हैं, कोई तो रोज मूंदता है, कोई दूसरे दिन मूंदता है, कोई तीसरे दिन मूंदता है, किसी को फुर्सत नहीं मिली तो हफ्ते में मूंदता है। तो मौजूदी साहब लिखते हैं कि देखने वाला ये न समझे कि इसने एक हफ्ते से शेव नहीं किया, दाढ़ी नहीं मूंदी,
बल्कि देखने वाला ये समझे कि इसने दाढ़ी रखती है, बस इतनी दाढ़ी अगर है तो इस्लाम का डिमांड पूरा हो गया। इस्लाम ने जो हुक्म दिया है दाढ़ी रखने का वो मुतालबा शरीयत का पूरा हो गया। ये मौदूदी साहब ने लिखा है और मौदूदी उम्मत में इतनी ही दाढ़ी रखे। बहरहाल कुरान करीम की इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि नबियों की सुन्नत ये नहीं, नबियों की सुन्नत इतनी बड़ी दाढ़ी है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़कर खींची। ये तो मैंने कहा था कि बाल लोग जिनको दाढ़ी नहीं रखनी हो क्या कहते हैं, कुरान में दिखा दे दाढ़ी का जिक्र होता लो दिखा दिए। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं जब उनसे कहा जाए अजाब कब्र के बारे में कि कब्र में अजाब होगा तो वो कहते कुरान में दिखाओ, कि उन्हें मानना नहीं, इसलिए फौरन कहेंगे हमारे यहां अलीगढ़ के हजरात हमारे यहां आते हैं तो सवाल करते हैं कि अजाब कब्र का जिक्र कुरान में कहां है, तो चल भाई तुझे कुरान में भी दिखा। हालांकि कुरान करीम में हर बात जरूरी नहीं है, क्लियरली हर बात जरूरी नहीं है, कुछ बातें हदीसों में क्लियरली है, कुछ बातें और नीचे हैं, मगर वो कहता कुरान में दिखाओ। तो इसलिए मैंने कहा कि कुरान में एक नहीं कई आयतें ऐसी हैं जिसमें अजाब कब्र का क्लियरली जिक्र है। और हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने बुखारी शरीफ में किताबुल जनाइज में जहां अजाब कब्र का बाप बांधा है तो उन्होंने कुरान करीम की चार पांच आयतें कोट की जिसमें अजाब कब्र का क्लियरली जिक्र है। उनमें से एक ये सूरत पाक है, इस सूरत पाक में अजाब कब्र का जिक्र वाजे तौर पर साफ क्लियरली है। हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहू का कौल मैंने हवाले के साथ सुनाया, हजरत ने फरमाया कि हमें अजाब कब्र के सिलसिले में तजब्जुब जब ये सूरत पाक नाजिल हुई तो तजब्जुब खत्म हो, जब इस सूरत में अजाब कब्र का क्लियरली जिक्र आ गया तो अब शक में मुब्तला रहने का कोई सवाल ही नहीं। तो मैंने कहा कि इस सूरत पाक में इंसान की तीन जिंदगियों का जिक्र है, एक दुनिया की जिंदगी, एक कब्र की जिंदगी और एक आखिरत की जिंदगी, तीनों जिंदगियों का जिक्र है। फरमाया अल्हाकुमुत्तकासुर, अल्हा युल्ही इल्हा अन के माने गाफिल करना और कुम जमीर है, गाफिल किया तुमको कंपिटिशन ने, अल्हा कुम तकासुर तकासुर के माने कंपिटिशन मुकाबलाबाजी, मैं आगे बढ़ू उसने कहा मैं आगे बढ़ू उसने कहा मैं आगे बढ़ू, ये जो कंपिटिशन का जज्बा है उसने तुम्हें अगली जो दो जिंदगियां आ रही हैं कब्र की और आखिरत की उससे काफिल कर लो। हर बंदा क्या है वो पांचों वक्त का नमाजी हो वो भी कब्र की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी से काफिल हो जाता है और दुनिया के कारोबार में फंस कर रह जाता है। अगर पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है कोई उसके ऊपर मुतालबा नहीं है तो गलत नहीं कर रहा, मगर बहरहाल ये दुनिया का मिजाज ऐसा बनाया गया है कि इस दुनिया में हर कोई ऐसा मशगूल होता है और सिर्फ मशगूल नहीं कंपटीशन में लगता है, दाई तरफ जो दुकान वाला है उससे बढ़ जाऊं, बाई तरफ जो दुकान वाला है उससे बढ़ जाऊं, खानदान में चचा का भाई है उससे बढ़ जाऊं, फूफी का भाई है उससे बढ़ जाऊं, फला से बढ़ जाऊं, रात दिन मेहनत करता है आगे बढ़ने की किसी न किसी से।
किसी न किसी से आगे बढ़ने की रात दिन धुन लगी हुई, यही गाफिल करना है। जो आगे बढ़ने का जज्बा है तकाफुल, तकाफुल कंपिटिशन रेस मुकाबलाबाजी, ये जो जज्बा है ये जज्बा आदमी को गाफिल करता है किस चीज से। आगे जो दो जिंदगी आ रही है, आलम कब्र की जिंदगी आ रही है, आखिरत की जिंदगी आ रही है, इन दो जिंदगियों के लिए तैयारी करने से दुनिया की ये सूरत हाल गाफिल कर। कुरान करीम ने जगह जगह ये इशारत फरमाया لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور। तुम्हें दुनिया की ये लाइफ धोखे में न डाले। لا تغرنكم الحياة الدنيا, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में मुब्तला न करे। क्या धोखा? जो कब्र की जिंदगी आ रही है, आखिर की जिंदगी आ रही है, जो भूले रहे, ये उसको भूले रहना ये है धोखा। दुनिया की ये जिंदगी तुम्हें धोखे में मुब्तला न करे। और तुम्हें बड़ा धोखेबाज शैतान धोखे में मुब्तला न करे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, अल्लाह के दीन के मामले में बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में मुब्तला न करे। ये दो चीजें, ये तो दुनिया की सूरत हाल धोखा देती। एक शैतान लगा रहता है पीछे, और वो अल्लाह से और अल्लाह के मामला से इंसान को धोखे में रखता है। तो खुद ये दुनिया ऐसी दिलचस्प बनाई गई है कि आदमी इस पर रीझता है, आदमी इस पर राज सपकाता है, आदमी इस दुनिया के पीछे मरता है। मेरे भाइयों, इस मजमून को समझ लो, दुनिया बुरी नहीं है। दुनिया अल्लाह ने शानदार बनाई है, इसलिए शानदार बनाई है कि हम इस दुनिया से फायदा उठाएं। हमारे फायदा उठाने के लिए ही अल्लाह ताला ने दुनिया शानदार बनाई है। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जमीन पर जो कुछ है हमने उसको शानदार मुजय्यन करके दुनिया बनाई है। क्यों बनाई है? ताकि इस दुनिया में तुम रहकर सारी दुनिया इस्तेमाल करो और आखिरत के लिए शानदार अमल करके अल्लाह के यहां पहुंचो। तो दुनिया को अल्लाह ने शानदार इसलिए बनाया है कि आदमी इसे यूज करे, इसे हासिल करे, लेकिन इस दुनिया पर मरे, इस दुनिया के पीछे राल चपका है, इस दुनिया में ऐसा फंस कर रह जाए कि अग्नि जो दो दुनियाएं आ रही है उसे भूले रहा, तो ये अकलमंदी की बात नहीं। और जैसे मेरे भाइयों, ये दुनिया आदमी को अगली जिंदगियों से गाफिल करती है, ऐसे औलाद भी इंसान को अगली जिंदगियों से गाफिल करती है। दुनिया माल, माल और औलाद, ये दो चीजें निहायत कीमती। माल तयामल लिन्नास, लोगों के लिए सहारा है, और औलाद को अल्लाह ताला ने उन तीन चीजों में लिया है। नेक औलाद को जिसका सवाब मरने के बाद भी आता रहता है, लेकिन कभी इंसान को यही माल, यही दुनिया और यही औलाद अगली जिंदगियों के लिए तैयारी करने से गाफिल रखती। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़ौलाइका हुमुल ख़ासिरून। अय वो लोगों जो ईमान लाए हो,
तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह के जिक्र से अल्लाह के की याद से गाफिल न करे। वार्निंग दी, चौकन ना किया कि देखो तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर सकता है, तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल कर सकती है, ऐसा न करे। माल के चक्कर में मत पड़े रहो, माल अच्छी चीज हासिल करो, औलाद के लिए करदनी ना करदनी मत करो, जायज ना जायज का ख्याल छोड़ करके मामला न करो, बैलेंस करके जाओ औलाद के लिए, बैलेंस करके जाओ मेरे पास मेरी औलाद के लिए। हर आदमी ये सोचता है औलाद के लिए कमा करके जमा करके जाओ, क्यों ये तेरी औलाद का खुदा तू है, तेरी औलाद का खुदा तू है, तुझे तेरे खुदा ने दिया है तो तेरी औलाद का जो खुदा है वो उनको नहीं देगा, तुझे क्या जरूरत पड़ी है कि कर्दनी ना कर्दनी, जायज ना जायज का ख्याल किए बगैर हाय माल हाय माल हाय माल हाय माल क्यों, औलाद के लिए बैलेंस करके जा। यूं औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है, और हाय माल हाय माल जब आदमी करेगा तो माल भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल। तो अल्लाह ने फरमाया कि अय वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें तुम्हारे अमवाल यानी दौलतें, दौलत 5-25 डॉलर को अमवाल नहीं कहते, 5-25 डॉलर तो हर एक के जेब में होता है, उसके बगैर दुनिया कहां चलती, बड़ी दौलत जिसे माल की जमा अमवाल है, जो बड़ी दौलत हासिल करने का जज्बा है ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल करता है। कहा तुम्हारे अमवाल तुम्हारी दौलतें और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करे, और अगर किसी को उसके माल ने या उसकी औलाद ने अल्लाह के जिक्र से गाफिल किया तो टोटे में ये रहा, इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया में नहीं, अगली जो दो दुनियाएं आ रही हैं, अगली जो दो जिंदगियां आ रही हैं, उन जिंदगियों में टोटे में वो ही रहेगा जिसको इस दुनिया में दौलत ने और औलाद ने अल्लाह के जिक्र से गाफिल किया। ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون के बाद कुरान करीम ने यह कहा कि इस औलाद को नेक बनाओ, दीन सिखाओ, दीन सिखलाओ, तुम औलाद को नेक बनाओगे, दीनदार बनाओगे, दीन सिखलाओगे और सारी दौलत इन पर खर्च कर डालोगे और उनके लिए कोई बैलेंस नहीं छोड़ोगे तो ये तुम्हारे लिए रहते हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में है मा नहला वालिदुन वलदन खैरु मिन अदबिन हसन, किसी बाप ने अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत से अच्छी गिफ्ट नहीं दी। औलाद के लिए जो वेरी गुड गिफ्ट है, शानदार भेंट है, शानदार दिया है वो ये है कि आदमी औलाद की अच्छी तरबियत करके और सब कुछ अगर उसको झोंक देना पड़े, हर सारा माल उसको खर्च कर देना पड़े तो टोटे का सौदा नहीं, घाटे का सौदा नहीं, कामयाब सौदा। और बैलेंस लाखों का मिलियनों का बैंक में मकान जायदाद कारोबार रख कर गया और औलाद ना हंजार नालायक रही, दीन से गाफिल रही, बाप के मरने के बाद में महीने सालों में बाप का छोड़ा हुआ तिया पाचा कर दिया, कुछ भी नहीं बचा बाप का और सारा तितर बितर करके औलाद खाली हाथ हो गई, इसका क्या फायदा है। और औलाद को तुमने माल खर्च करके औलाद को नेक बनाया तो औलाद की किस्मत का तो औलाद को अल्लाह देंगे अपने वक्त में।
तुम खुदा नहीं हो औलाद की, उनका खुदा है, वो अपने वक्त पर उनकी किस्मत कर देगा, और तुमने उन पर खर्च करके उनको दीनदार बनाकर नेक बनाया तो ये औलाद के लिए बेहतरीन गिफ्ट है। फरमाया वानशुतु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति यौम, मिन क़ब्ल अन याति यौम وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فرمایا اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत आकर खड़ी हो जाए। उस दिन आदमी कहेगा परवरदिगार चंद सांस की मोहलत दे दीजिए, मैं अपने पास जो माल है आपके रास्ते में खर्च कर कर करके बड़ा नेक साले बन जाऊं, फिर मौत आए, ये कभी ना करेगा, कहेगा। कुरान ने कहा ये वक्त आए, इस वक्त के आने से पहले चांस है, इसके बाद चांस नहीं है, वे वक्त आने से पहले चांस है। तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और ये औलाद की तरबियत पर खर्च करना ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, माँ बाप पर खर्च करना, रिश्तेदारों पर खर्च करना, बीवी बच्चों पर खर्च करना, गरीबों पर खर्च करना, मिस्कीनों और यतीमों पर खर्च करना, मिल्लत के कामों में खर्च करना, मदरसे पर खर्च करना, मस्जिद पर खर्च करना, ये सब अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। कुरान करीम ने कहा कि ये दिन आए इससे पहले खर्च कर लो। وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, और खर्च करो तुम उस माल में से जो तुम्हें अल्लाह ने रोजी दिया, रोजी दी है जिस जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है माल, उसमें से मिन ओलमा समझ सकते मीन तबीज दिया है, सारा खर्च मत कर डालो वरना टोपी टेढ़ी हो जाएगी, मीन तबीज दिया है उसमें से कुछ खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हारे सामने मौत आ जाए, यानी मौत का वक्त आ गया। जब मौत का वक्त आ गया मौत सामने आकर खड़ी हो गई, فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بس وہ کہے گا, ریکویسٹ کرے گا, چاہے گا, اے میرے پروردگار مجھے ذرا سی مہلت دے دیجیے, آپ کا دیا ہوا مال سب صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا, اور اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں گا, پھر موت آئے. قرآن نے کہا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب آدمی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے, موت کا وقت آ جاتا ہے, تو پھر ایک لمحے کی ڈھیل نہیں مل سکتی, اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتے کسی نفس کو جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, مہلت نہیں دی, پکڑ لیا, فرشتوں نے روح قبضہ کر لی, اللہ کے یہاں پہنچ گیا, اب وہاں جا کر کیا ہوگا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, تم نے زندگی میں جو جو کام کیے ہیں اللہ سب سے پوری طرح باخبر ہے, اچھے کیے ہیں آگے اچھا پھل ملے گا, برے کام کیے ہیں تو آگے برا کام کرے گا, بری جزا ملے گی, سزا ملے گی,
بہرحال اللہ کو پوچھنا نہیں ہے, ریکارڈ نہیں دیکھنا. فرشتوں سے کہیں اس بندے کا نام ہے آپ اللہ, میں ریکارڈ دیکھوں, ریکارڈ نہیں دیکھنا. وہ انسانوں کے مخلوق کے سب کاموں سے پوری طرح واقف ہو. یہ آیت وَلَيُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, یہ آیت قرآن کریم کی 63 سورت ہے, 63 سورت کی آخری آیت, 63 63 63 سورت کی آخری آیت. اور آپ جانتے ہیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ, دنیا کی زندگی ٹھیک 63 سال پر گزری تھی. تو علماء نے اس میں اشارہ نکالا ہے کہ حضور کے لیے یہ انڈیکیٹر ہے آیت, حضور کو اس آیت نے اشارہ دیا ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ بھی 63 سال پورے ہونے پر دنیا کی حیات پوری ہو جائے, کیونکہ قرآن کی 63 سورت کی آخری آیت یہ ہے کہ اللہ کسی نفس کو ڈھیل نہیں دیتے, ہرگز ڈھیل نہیں دیتے کسی نفس کو. اس میں محبوب رب العالمین بھی آ گئے, محبوب رب العالمین بھی آ گئے, کسی کو ڈھیل نہیں دیتے اللہ جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, ہماری ایک تو یہ دنیا کی زندگی ہے, جس دنیا کی زندگی میں ہم اس وقت ہیں اس کا کون انکار کرے گا؟ اس لیے اللہ پاک جل شانہ و عز وجل نے ایک لفظ میں, ایک کلمہ ورڈ میں اس دنیا کی پوری حقیقت سمجھا دیا. اللہ پاک تم کو سب غافل کر رکھا ہے, تکاثر نے, کمپٹیشن نے, ریس نے, دنیا کمانے میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے اس جذبے میں تم کو غافل کر رکھا ہے اگلی زندگیوں کے لیے تیاری کرنے. میرے بھائیو, یہ بات جو کہی گئی ہے یہ عام میجورٹی کے اعتبار سے کہی گئی ہے. اللہ کے بہت سے نیک بندے وہ ہیں جو سب کام کرتے ہیں, شوق بھی کرتے ہیں, جوب بھی کرتے ہیں, کھیتی بھی کرتے ہیں, دریا میں ہیں, دریا میں کھڑے ہیں, ان کا پجامہ نہیں بکتا. دنیا میں دریا میں کھڑے ہیں, ان کا پجامہ نہیں بکتا. دنیا کے سارے کام کرتے ہیں, اور کم کر دیں بس, کم کر لیا. دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور دین کے کسی کام سے غافل نہیں. ایسے اللہ کے بے حساب بندے ہیں, ان کے اعتبار سے گفتگو نہیں, گفتگو ہے میجورٹی کے اعتبار سے. 99% انسانوں کا کیا حال ہے اس کے اعتبار سے گفتگو ہے کہ تمہیں تکاثر نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا, ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے اس جذبے نے تمہیں غافل کر رکھا ہے اگلی زندگیوں سے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبرستان کی زیارت کر لی, قبرستان کی وزٹ کر لی. قبرستان کی وزٹ کرنے تک تکاثر آدمی کو اگلی زندگیوں سے غافل کیے رہتا ہے. آپ حضرات غور کریں, ہم کسی کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچتے ہیں تو 5-25 آدمی تو جنازہ دفن کرنے میں لگتے ہیں, قبر میں اتارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور باقی کیا کرتے ہیں؟ 2 یہاں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, 3 وہاں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, 5 یہاں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, 2 یہاں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں. کیا کائی کی باتیں کر رہے ہیں؟ کمانے کی. ارے تیرا کاروبار کیسا ہے؟ ارے میرا کاروبار ایسا ہے, ارے مجھے یہ اڑچن کاروبار میں کیسے آگے بڑھوں. یہ جب گروپ باتیں کر رہا, وہ وہاں باتیں کر رہا, وہ وہاں باتیں کر رہا, وہ وہاں باتیں کر رہا ہے, قبرستان کی وزٹ پر گئے ہوئے ہیں, موت نہیں آئی ابھی,
मौत नहीं आई, मौत तो आएगी, लेकिन अभी दूसरे को दफन करने, दूसरी मैयत को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में गए हैं, कब्रिस्तान की विजिट की है, वहां भी यही तकातुर है, यही एक दूसरे का आगे बढ़ने का जज्बा है, यही कारोबार की बातें हैं। किसी को अपनी मौत याद नहीं आती कि आज जिसको कंधे पर उठाकर हम लाकर कब्र में गाड़ रहे हैं, कल दूसरे हमें कंधों पर उठाकर लाकर गाड़ेंगे, ये बात किसी को याद नहीं आती। देखो मेरे भाइयों, दूसरी जिंदगी शुरू हो गई, एक तो दुनिया की जिंदगी थी, दूसरी जिंदगी शुरू हो गई। वो कौन सी जिंदगी है जब दूसरे हमें कंधों पर उठाकर मिट्टी के घड़े में ले आकर डाल देंगे, मिट्टी ऊपर करके भर करके सब चले आए और हम अकेले मिट्टी में दबे रहेंगे, वो जिंदगी शुरू हो गई। यही वो दूसरी जिंदगी है जो कब्र की जिंदगी है, इसी को आलम कब्र कहते हैं, इसी को बरज़ख की जिंदगी कहते हैं। यही दो जिंदगियों के दरमियान की आड़ है, दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, इनके बीच की जिंदगी है कब्र की जिंदगी। ये जो कब्र की जिंदगी है वो तो वो अभी हम नहीं समझ रहे, अभी तो हम दुनिया की जिंदगी में हैं, दुनिया की जिंदगी हम समझ रहे हैं, मगर ये जो आगे जिंदगी आ रही है ये अभी नहीं समझ रहे। मगर कुरान कहता है सौफ़ तअलमूना, कुछ वक्त के बाद तू ये जो अगली जिंदगी आ रही है उसे तू जान लेगा। फिर कुरान मुकर्रर कहता है तुम मकल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हरगिज नहीं, हरगिज नहीं यानी तू उस जिंदगी से गाफिल होकर जो दुनिया की जिंदगी में फंसा हुआ है, या उस जिंदगी के बारे में तुझे तजब्जुब है, ये तुझे तजब्जुब नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद में तू जान लेगा कब्र की जिंदगी, जब हम कब्र में पहुंच जाएंगे तो कब्र की जिंदगी जान लेंगे। कितनी देर है, बस ये दुनिया की जिंदगी फिनिश हुई, आंख बंद हुई और आंख खुल जाए, इस वक्त हमें आगे की दुनिया नजर नहीं आ रही, हमारी आंख बंद है, हम समझते हैं कि आंखें खुली हैं मगर ये दुनिया तक खुली है, आगे की जिंदगियों के ताल्लुक से हमारी आंखें बंद हैं। जिस दिन हमारी ये आंखें इस दुनिया से बंद हुई तो अगली जिंदगियों के ताल्लुक से खुल गई, उस वक्त तुम्हें ये आगे अन करीब, आप हजरात अरबी नहीं जानते, फ्यूचर के लिए अरबी में दो लफ्ज आते हैं सीन और सौफा, तो मुस्तकबल करीब के लिए सीन आता है और मुस्तकबल बईद के लिए सौफा आता है, यानी बिल्कुल करीब फ्यूचर आगे का भविष्य, करीब भविष्य के लिए सीन इस्तेमाल करें, और थोड़ा दूर हो भविष्य फ्यूचर तो सौफा इस्तेमाल करेंगे। तो कुरान करीम ने सौफा इस्तेमाल किया और कहा कि सुन मकल्ला सौफ तअलम, लेकिन उस दुनिया में पहुंचने के बाद, कब्र में पहुंचने के बाद जानना तो क्या जानना, जानना तो उस वक्त मुफीद है जब आज जाना, आज जिसने जाना वो कब्र की जिंदगी के लिए तैयारी कर सकता है, कब्र में पहुंचने के बाद जिसने जाना उसने क्या जाना। कहते हैं क्या हुआ है जब चिड़िया चुग गई खेत, गेहूं का खुद खेत बोया एक हफ्ता, कहीं चला गया किसी अहम जरूरत से, और चिड़िया आई और सारा खेत चुग गई, अब खेत में कोई दाना नहीं, अब आकर के रो रहा है। कहने वाले ने कहा अब क्या हुआ, अब रोने से क्या फायदा है, जब तेरी खेत चिड़िया चुग गई तो क्या फायदा है। बस मेरे भाइयों, कब्र में पहुंचने के बाद अगर हमने कब्र की जिंदगी को जाना तो क्या जाना, अब तो जानने का कोई फायदा नहीं, जानने का फायदा तो आज है, आज हम जान लें अगली दो जिंदगियों को, तो
तो उन जिंदगियों के लिए प्रेपरेशन तैयारी हम आज कर सकते हैं। बस आज का जानना तो मुफीद है, कल का जानना मुफीद नहीं। देखो मेरे भाइयों, जानने की दो किस्में, एक जानना है खोपड़ी में जानना और एक जानना है दिल में जानना। ये खोपड़ी में जानना है जो हर एक जानता है, उस जानने का कोई फायदा नहीं। जब वो सरने से वो जानना दिल में उतरे और दिल यकीन कर ले तो जानना है। देखो इस्लाम के बारे में इस्लाम की हक्कानियत बहुत से गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जानते हैं, हिंदू जानते हैं, ईसाई जानते हैं, मजूसी यहूदी जानते हैं, पारसी जानते हैं, मगर क्या इस जानने से मुसलमान हो गए? इस जानने से मुसलमान नहीं होते। ये खोपड़ी का जानना है, स्टडी की, इस्लाम की स्टडी की, और समझ लिया कि भाई ये दूसरे तमाम मजाहिब से इस्लाम अच्छा मजहब है। ये किसने जाना? खोपड़ी ने जाना, अक्ल ने फैसला किया। अक्ल के इस फैसले से आदमी मुसलमान नहीं हो गया। आदमी मुसलमान कब होता है? जब तस्दीक के कल्बी हासिल, दिल यकीन करे। जब दिल यकीन करे अब मुसलमान होता है। बस मेरे भाइयों, ये जो अगली दो जिंदगियां आ रही, कब्र की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, इन जिंदगियों को आज हमारा दिल जाने तो कोई फायदा है। अकल से तो जानते हैं, और अकल से जानने के बावजूद हम मुसलमान हैं। अकल से हम जानते हैं, कब्र की जिंदगी को भी मानते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, और दुनिया में गाफिल है। क्यों गाफिल है? दिल में नहीं माना, यकीन नहीं किया। अकल ने खोपड़ी में जाना मगर दिल ने उसका यकीन नहीं किया, इसलिए यह हमारी जिंदगियों का नक्शा है, यह सूरत हाल है। ये जो खोपड़ी का जानना है ये है इल्म, नॉलेज, और ये जो दिल का जानना है ये है इल्मुल यकीन, यकीनी जानना। ये खोपड़ी जानती है, नॉलेज है, ये इल्म है, और जब दिल ने उसे कबूल कर लिया तो इसका नाम है इल्मुल यकीन। बस यही तक जा सकते हैं। अगली जो जिंदगी कब्र की आ रही है उस जिंदगी को हम यहीं तक जान सकते हैं, इल्मुल यकीन तक। कोई कहे कि अजाब कब्र मुझे दिखाओ, तो मैं कहां से दिखाऊंगा? चल भाई एक कब्र खोद के मैं तुझे दिखाऊंगा, देखे अजाब कब्र हो रहा है, दिखा नहीं सकते। कोई चीज जिसको हम दिल से यकीनी तौर पर जानते हैं, उसको आंख से देख लिया, तो इसका नाम है ऐनुल यकीन। एक है इल्म, दूसरा है इल्मुल यकीन, और तीसरा है ऐनुल यकीन, यानी उस यकीनी बात को जिसको दिल से कबूल कर रखा था उसको आंखों से देख लिया। ये आंखों से देखना कयामत में होगा। जहन्नम को आंखों से हम देखेंगे, जन्नत को हम आंखों से देखेंगे। जब अजाब कब्र से पास हो जाएंगे, अजाब कब्र से आगे बढ़ जाएंगे, आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाएगी, तो फिर आखिरत में जो जन्नत और जहन्नम है उसे उसका आज यकीन है, मगर उस यकीन को आंखों से हम कब देखेंगे? आखिरत शुरू होने के बाद। बीच का जो मरहला है अजाब कब्र का, उसको आंखों से नहीं देख सकते, यहां आंखों से नहीं देख सकते, और वहां जाकर भी आंखों से नहीं देख सकते, कब्र में जाकर भी आंखों से नहीं देख सकते। आज तो हम जानते हैं, कब्र में पहुंचने के बाद उसका यकीनी तौर पर जान लेंगे। तो मैं तीन चीजों में फर्क बतला रहा था, इल्म, इल्मुल यकीन, इल्म जानना, नॉलेज, और इल्मुल यकीन जो जानते हैं उसका यकीन पैदा हो जाए। फिर उससे अगला मरहला है ऐनुल यकीन, जिस बात का यकीन था उसे आंखों से देखें। ये तीन मरहले हैं। तो कुरान ने फरमाया कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज नहीं, यानी जो तुम दुनिया में गाफिल बने हुए हो, दुनिया में फंसे हुए हो, ये बात हरगिज मुनासिब नहीं है। तुम
गया, अगली जिंदगी मरने की खबर की जिंदगी का जो इनकार करते हो, अजाब कब्र का इनकार करते हो, हरगिज मुनासिब नहीं है। सौफ तालमून, हम करीब तुम जान लोगे। कैसा जानना? सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर अल्लाह फरमाते हैं हरगिज नहीं, हम करीब तुम जान लोगे। कल कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, फिर तीसरी मरतबा फरमाया हरगिज तुम्हारी ये गफलत मुनासिब नहीं है, हम करीब तुम यकीनी तौर पर जान लोगे। ये यकीनी तौर पर कब जानेंगे? जब खबर में हमारे पीछे वाले हमें ले जाकर दफन कर देंगे, गाड़ देंगे, और वहां से वो वापस लौट जाएंगे तो कब्र के मामला शुरू हो जाए। मेरे भाइयों, हदीस शरीफ में ये मजमून आया है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, कब्र बंद कर दी जाती है और लोग लौट जाते हैं, तो अभी मैयत लोगों के चप्पलों की खटखटाहट सुन रहा होता है, दो फरिश्ते आ जाते हैं। देर नहीं लगी, जो कब्र से लौट रहे हैं और उनके पैरों के चप्पलों की जूतों की जो आवाज है वो भी मैयत सुन रही है, कि दो फरिश्ते आ जाते हैं, वो उस मैयत को उठाकर बिठा देते हैं और तीन सवाल करते हैं। मन रब्बुका, तेरा परवरदिगार कौन है? मोमिन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। अल्लाहु अकबर। और मुनाफिक और काफिर जवाब देता हा हा हा, कोई जवाब नहीं, हा 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 करता है। तो वो दूसरा पूछते हैं मां दीनों का, व्हाट योर रिलीजन, तू दुनिया में किस मजहब को मानता था, तेरा मजहब दुनिया में क्या था? तो मोमिन जवाब देता है दीनी अल इस्लाम, मेरा रिलीजन इस्लाम था। वो जो फरिश्ते जो आएंगे डरावनी शक्ल में आएंगे, मुनकर नकीर, होशो हवास खो जाए आदमी, ऐसे जैसे इमिग्रेशन में जब सवाल होते हैं तो आप पैसेंजर परेशान हो जाता है। मगर कुरान ने कहा युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनु बिल कौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व यौम, अल्लाह साबित कदम रखेंगे मोमिन को, वो नहीं डरेगा। तो निडर होकर, बेबाक होकर, आरा के हिसाब बेवापस, हसकसे के बाप, जिसका हिसाब क्लियर है उसको किसी से क्या डर है? मोमिन जवाब देगा दीनी अल इस्लाम, मेरा रिलीजन, मेरा दीन इस्लाम था, मैं दुनिया में इस्लाम को मानता था, उसी दीन पर मैं दुनिया में जिंदगी गुजार कर आया। वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत करवाई जाए। देखो आर और पहाड़ इस दुनिया में है, इस दीवार के पीछे क्या है मैं नहीं जानता, पर दीवार हट जाए तो मैं जान लूंगा। अगली जो जिंदगियां रही हैं, कब्र की जो जिंदगी, उसमें आर और पहाड़ नहीं है, आर और पहाड़ नहीं है, और डिस्टेंस फासले भी इस दुनिया में, गाड़ी फासले से रखो हम पर वो सब फासले यहां है, कब्र की जिंदगी में फासले डिस्टेंस नहीं है। तो आका जहां है वहां है, मैयत को वहां नहीं ले जाना। और दुनिया में करोड़ों आदमी जो कब्र की जिंदगी में पहुंच गए हैं, वो हरेक आका की जियारत करे और फरिश्ते पूछेंगे कि ये जो हजरत जी तुझे नजर आ रहे हैं, इनके बारे में तेरा क्या अकीदा है, क्या मानता है तू इनको? तो मोमिन कहेगा
कि ये हमारे रसूल हैं, अल्लाह ने इनको हमारी तरफ भेजा था, हमने इनका दामन पकड़ा था, हमने इनके लाए हुए दीन को कबूल किया था, हम उस दीन पर चलते रहे थे, हमारे रसूल हैं। और मुनाफिक और काफिर क्या कहेगा? हा हा हा। उसने कहा कि दुनिया इनको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती थी तो मैं भी कहता था, मुनाफिक था मैं भी कहता था, मगर मैं नहीं जानता कि ये हजरत कौन। बहरा कब्र की जिंदगी शुरू होते ही ये सवाल जवाब होते हैं, तीन सवाल आते हैं और यूनिवर्सिटी और मदरसों में पांच सवाल होते हैं, उसमें तीन के जवाब मतलूब होते हैं, वहां ऐसा नहीं है, तीन सवाल हैं, तीनों के जवाब चाहिए, बड़ा सख्त इम्तिहान। पांच में से तीन के जवाब तो ये आसान इम्तिहान है, और तीन सवाल तो तीनों के जवाब चाहिए, बड़ा सख्त इम्तिहान है। ये सख्त इम्तिहान खबर में पहुंचते ही होगा, ये किस चीज का इम्तिहान है? हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहि रहमा ने लिखा है कि आदमी जब एक मदरसे से दूसरे मदरसे में जाता है तो एडमिशन टेस्ट लिया जाता है कि पिछले मदरसे से कुछ पढ़कर आया है या उल्लू आया है, कोरा आया है। अभी समझ में आ रहा है? आपका सुन जैसे हिंदुस्तान के तमाम मदरसों से तलबा दारुल देवबंद में पढ़ने आते हैं तो साल के शुरू में शव्वाल की 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उनका दाखिला इम्तिहान होता है। तो इस दुनिया से जब कब्र की दुनिया में गए तो दाखिला इम्तिहान हो कि अल्लाह ने पिछली दुनिया में अपने रसूल भेजे, अपनी किताबें भेजी, अपना दीन नाजिल किया इंसानों के फायदे के लिए, तो अल्लाह के भेजे हुए दीन पर चलकर यहां आया है या कोरा आया है, इसका इम्तिहान है। मर रब्बू का तेरा परवरदिगार कौन है? हिंदू दुनिया भर के मूर्तियों को अपना खुदा मानता है, वो उनका नाम लेगा। ईसाई कहेंगे माय लॉर्ड इज जीसस, मेरा खुदा तो जीसस है, ईसा अलैहि सलाम। कोई किसको बताएगा, कोई किसको बताएगा, लेकिन मोमिन कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा परवरदिगार अल्लाह है, अल्लाह के अलावा मैं किसी को खुदा परवरदिगार नहीं मानता। जो जिस दिन को यहां था वो बताएगा कि मैं दुनिया में ईसाई था, यहूदी था, मजूसी था, पारसी था, बुद्धिस्ट था, कम्युनिस्ट था। और मोमिन कहेगा दीन अल-इस्लाम, मैं इस्लाम को मानता था, उसी पर रहा चला और उसी पर आया। और आका की जियारत करके वो कहेगा ये हमारे आका हैं। देखो मोमिन इस दुनिया में कुछ तमन्नाएं रखता है, बड़ी तमन्नाएं, उसके लिए अगर सारी दुनिया दे देनी पड़े तो मोमिन तैयार है। एक अल्लाह का दीदार अल्लाह के लिए देखने के लिए हर मोमिन बेताब है, मगर इस दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। अगर किसी को अल्लाह की तजल्ली अल्लाह का दीदार मिल जाए और सारी दुनिया की दौलत दे देनी पड़े तो हर मोमिन तैयार है, मगर ये आरजू यहां नहीं पूरी होगी, ये आरजू जन्नत में जाकर पूरी होगी। जन्नत में पहुंचे तो पर वीक हफ्ते में एक मरतबा, वहां हफ्ता नहीं, दुनिया में जो वीक है इसके एतबार से पर वीक अल्लाह ताला तजल्ली फरमाएंगे और जन्नती अल्लाह पाक की जियारत करेंगे और अल्लाह तजल्ली फरमाकर अल्लाह खुद जन्नतियों को सलाम कर सलाम कौलम मिन रब्बिर रहीम। कयामत के दिन मेहरबान परवरदिगार की तरफ से जन्नतियों को सलाम पहुंचे, ये कितना बड़ा एहसास है अल्लाह की तरफ से। तो बहरहाल अल्लाह की जियारत की तमन्ना इस दुनिया में हर मोमिन को, और इस नेमत को हासिल करने के लिए अगर सारी दुनिया दे देनी पड़े तो हर मोमिन तैयार, मगर ये बात यहां मुमकिन नहीं है। इसके लिए अगर इस तमन्ना को पूरी करनी है तो मेहनत करो, जन्नत में जाओ,
जन्नत में पहुंचने का सामान कर लो और जन्नत में पहुंच गए तो पर वीक अल्लाह की यह नसीब। दूसरी तमन्ना मोमिन की यह है कि आखिरत में उसकी मगफिरत हो जाए और जन्नत मिल जाए, मगर ये भी इस दुनिया में फैसला नहीं हो सकता, इस दुनिया में नहीं जान सकता आदमी कि उसकी मगफिरत होगी या पकड़ होगी। मोमिन भी नहीं जान सकता कि आखिरत में मरने के बाद उसकी मगफिरत होगी या पकड़ होगी, कोई नहीं जानता। उसके लिए हमें यहां सामान करना है, मगफिरत का सामान करना है, नेक कामों में लगना है, मगफिरत का सामान करना है, नेक कामों में लगना है, इंशाअल्लाह मगफिरत हो। मेरे भाइयों, ऐसी ही तमन्ना हर मोमिन की ये है कि मुझे मेरे आका की एक झलक देखने को मिले। नबी ये बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए हर मोमिन बेताब है, एक झलक देखना चाहता है, लेकिन यहां मुमकिन नहीं है। बेदारी में, ख्वाब में आका की जियारत हो सकती है, लेकिन ख्वाब बहरहाल ख्वाब है। बेदारी की हालत जो है उस दर्जे की जो हालत ख्वाब की नहीं, ख्वाब तो बहरहाल ख्वाब है, लेकिन बेदारी में आका की जियारत इस दुनिया में नहीं हो सकती। वो बेदारी में आका की जियारत कब्र में पहुंच कर होगी। जब तीन सवाल होंगे तो तीसरा सवाल करते वक्त तो फरिश्ते हुजूर की को दिखलाएंगे, वहां पर्दे नहीं है, आग और पहाड़ नहीं है, कब्र की जिंदगी में डिस्टेंस भी नहीं है, तो फरिश्ते दिखलाएंगे तो सबसे पहले आका की जियारत इस आंखों से वहां होगी। इस दुनिया में ख्वाब में हो सकते, मगर ख्वाब ख्वाब हो, बेदारी में आंखों से जिस तरह कोई बात देखी जाती है, ख्वाब का देखना ऐसा नहीं समझा जाता। और इस दुनिया में बेदारी में सर की आंखों से आका की जियारत नहीं हो सकती। पहली मर्तबा कहां होगी? जो कब्र में पहुंचोगे तो पहले ही मरहले में आका की जियारत करवा कर पूछा जाए। मेरे भाइयों, एक हदीस सुनाऊं। जब नबी ये पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह किसरा को दावत इस्लाम का खत लिखा, तो जितने खतूत हुजूर ने लिखे थे उसमें हुजूर अपना नाम पहले लिखते थे और जिसको खत लिखते थे उसका नाम सेकंड नेक्स्ट लिखते थे। तो लिखा मिन मोहम्मद रसूलिल्लाह ये ला किसरा अजीम फारिस, ये लेटर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ईरान के बादशाह किसरा के नाम है। ये खत जब किसरा के सामने पढ़ा गया तो उससे हुआ और उसने पढ़ने वाले से खत लेकर उस खत को फाड़ दिया, लेकिन वो खत चमड़े पर था, हरण के चमड़े पर था, तो आधा फटा और गुस्से में आधा बड़ा निकल के फेंक दिया। और बहरीन आज भी है, ये अरब का एरिया है और ईरान की हुकूमत के कंट्रोल में था। वहां जो गवर्नर था वो किसरा का मुकर्र किया हुआ था, उसने फौरन आर्डर भेजा बहरीन के गवर्नर को कि दो आदमी मदीना भेजो और ये खत लिखने वाला जो बदतमीज है उसको गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश कर। वह हुजूर को गिरफ्तार करके लाने के लिए दो आदमी काफी है, लिखा कि दो आदमी भेजो मजबूत जो मदीना में ये बदतमीज है जो मेरा अपना नाम पहले लिखता है इसको पकड़ कर गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश कर। खैर, बहरीन के हाकिम ने दो मजबूत आदमी पेश किए, वो मदीना पहुंचे तो मदीना का नक्शा ही कुछ और देखा। ये शमा है जिसके गिर्द हर परवाना फिदा है, एक शमा है जिस पर हर परवाना फिदा है। उस मदीना में कौन हुजूर को दो आदमी क्या गिरफ्तार करके ले जाएंगे?
लेकिन बहरहाल जब बादशाह के हुक्मों में से आए हैं तो उन्हें हुजूर की खिदमत में हाजिर होना है। चुनांचे वो जब दोनों हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए हैं तो हदीस में है कि उनकी दाढ़ियां मुंडी हुई थी और मूछें बड़ी बड़ी थी। जब वो हुजूर के सामने आकर बैठे हैं तो हुजूर को उनके चेहरों से इतनी नफरत हुई कि हुजूर ने मुंह फेर दिया और उनसे कहा वही लकोमा मन अमरकोमा देखा जाए, तुम्हारा दोनों का नाश हो, तुम्हें ऐसी शक्लें बनाने का किसने हुक्म दिया। तो उन्होंने कहा अमरना रब्बुना, हमें ऐसी शक्लें बनाने का हमारे लॉर्ड ने हुक्म दिया, हमारे बादशाह ने हुक्म दिया, यानी हमारा ईरान का कल्चर ही है, हमारा ईरान का कल्चर है, उस कल्चर के मुताबिक हमने दाढ़ियां मूंद रखी है, मूछें बड़ी बड़ी रख रही। हुजूर ने फरमाया वलाकिन्ना रब्बी अमरनी, तुम्हारा कल्चर चाहिए हो मगर मुझे मेरे परवरदिगार ने हुक्म दिया है मूछें काटने का और दाढ़ी बढ़ाने का। यानी इस्लामी कल्चर ये है, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है, यानी इस्लामी कल्चर ये है, तुम्हारा कल्चर ये है होगा मगर इस्लामी कल्चर ये है, मुझे तो मेरे रब ने ये हुक्म दिया है कि मूछें काटूं दाढ़ी बढ़ाऊं। यह हदीस और मेरी किताब, मेरी एक किताब है दाढ़ी और अंबिया की सुन्नतें, उस किताब में ये वाकया मैंने हवाले के साथ लिखा। मेरे भाइयों सोचो, जिस दिन पहली मर्तबा फरिश्ते हमें आका की जियारत कराएंगे, उस दिन अगर आका ने हमसे चेहरा फेर लिया तो हमारा क्या हशर होगा। हम आका को देख रहे हैं, आका हमें देख रहे हैं, और अगर उस दिन भी हमारी सूरत ऐसी ही हुई जैसी हम आज गैरों के कल्चर को अपनाए हुए हैं, दाढ़ियां मुंडे हुए हैं, मूछें भी मूंड रखी हैं या मूछें बड़ी बड़ी रख रखी हैं, गैरों के कल्चर को अपना रखा है, अगर इसी शक्ल में हम कब्र में पहुंच गए और जब आका की जियारत की और आका ने अपना मुंह फेर लिया तो उस दिन हमारी क्या हैसियत रही है। मेरे भाइयों ये वक्त कब आना है कुछ नहीं मालूम, दुनिया की जिंदगी पानी का बुलबुला है, कब टूट जाए पता नहीं। क्या बच्चों को हमने हाथों में ले जाकर दफन नहीं किया, क्या जवानों को हमने कंधों पर ले जाकर नहीं गा, क्या देर उम्र वालों को हमने दफन नहीं किया। हम किस रोकले में हैं कि मैं 80 साल तक पहुंचूंगा, 90 साल तक पहुंचूंगा, क्या पता अभी एक सेकंड में तेरी पकड़ हो जाए। ये कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत आनी चाहिए इस हाल में कि तुम पूरे दीन पर अमल कर रहे हो और मौत आई। और ये बात उसी वक्त मुमकिन है जब आदमी पहली फुर्सत में दीन पर अमल शुरू कर ले और हमेशा दीन पर जमा रहे, मजबूत रहे, तो मौत को जब आना हो वेलकम वेलकम, हम तैयार। इसलिए मेरे भाइयों आजकल आजकल मत करो, दीन का जो काम करना है फौरन शुरू करो। क्यों, जिंदगी कब ऑफ हो जाएगी किसी को पूछ होता नहीं, ज्यादा पहली फुर्सत में अपनी इसलाह करो। तो ये हदीस सुना रहा था कि आका ने वो पारसी मजूसी ईरानी उनकी शक्लें देखकर मुंह फेर लिया था और फरमाया नालायक हो, तुम्हारा नाश हो, तुम्हें ऐसी शक्लें बतलाने को किसने कहा। बहरहाल मेरे भाइयों में असल ये बयान कर रहा था कि कब्र में पहुंचते ही सबसे पहले ये तीन सवाल होने हैं, तेरा रब कौन है, तेरा रिलीजन क्या है, और ये जो हजरत नजर आ रहे हैं इनके बारे में तेरा अकीदा क्या है। फिर मोमिन ने
اگر جواب دے دیے صحیح صحیح تو فرشتے یہ کہ یہ حدیث سنا رہا ہوں، اپنی باتیں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف کا مضمون بیان کر رہا ہوں. فرشتے یہ کہتے ہیں سوری، ہم پہلے سے جانتے تھے کہ تو مومن ہے، تو صحیح جواب دے گا، بس ہمیں تجھے پوچھنا نہیں چاہیے، مگر ضابطے کی کارروائی کرنی ضروری تھی، تو سوری ہم نے ڈسٹرب کیا تجھے، تو سو رہا تھا، تجھے اٹھا کر بٹھایا اور تجھے پریشان کیا، سوری. اور فرشتے حکم دیں گے خبر کو کہ چوری ہو جائے، تو خبر 70 بائی 70 70 یوں چوری ہو جائے گی، یہ چوری ہو جائے گی. اشاندار کمرہ، آدمی کو کمرہ شاندار پسند ہے، تو کمرہ چوڑا ہو، پور پتن سیاح ہو، اور تم کمرہ ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے. اسی لیے لوگ چھوٹے کمرے میں یا واش روم میں پوری وال میں آئینہ لگاتے ہیں تاکہ کمرہ ڈبل ہو جائے. یہ چھوٹے کمرے میں وال میں پورا آئینہ لگاتے ہیں یا واش روم میں جو آئینہ لگاتے ہیں وہ کیوں ایسا دیکھنے میں معلوم ہوگا ڈبل ہو گیا، واش روم ڈبل ہو گیا. تو یہ پسند ہوتا ہے انسان کو، تو یہ بھی اگر چوڑا کمرہ ہونا بڑا کمرہ ہونا یہ ایک نعمت ہے. تو ذرا سی کوٹھڑی میں سویا ہے تو گھبراتا ہے. تو سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ فرشتے قبر کو حکم دیں گے اور وہ 70 بائی 70 چاروں طرف سے چوڑا ہو جائے گا قبر. پھر دوسرا کام یہ کریں گے فرشتے کہ جنت کی طرف سے طرف ونڈو کھول دیں گے. اور جنت میں ابھی نہیں پہنچا، وہ تو قیامت کے بعد جنت میں پہنچے گا. جنت کی طرف کا ونڈو کھول دیا، اب ادھر سے روشنی آ رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، بھینی بھینی ہوائیں آ رہی ہیں، بڑے مزے کی اے سی شروع ہو گئی، اے سی کھول دی. دیکھو میرے بھائیو، یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ ہماری اسی دنیا کا زمینہ سپلیمنٹری ہے، ہماری اسی دنیا کا حصہ ہے، آخرت ابھی نہیں شروع ہوئی. لیکن ہماری اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا کے درمیان میں دبیل موٹا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب قبر میں پہنچ گئے تو آخرت سے اتنے قریب ہو گئے کہ اب دنیا اور آخرت کے بیچ میں رقیق پتلا پردہ رہ گئے، اب آخرت جھلک رہی ہے. جیسے پردہ بہت باریک ہو تو دوسری طرف کی چیز جھلکتی، اور اسی وجہ سے ایسے کپڑے کا پاجامہ بن پہننا یا لنگی پہننا جس سے بدن جھلکے جائز نہیں، کرتا پہننا کوئی حرج نہیں، لیکن پاجامہ یا لنگی اتنی باریک پہننا کہ سارا پیر جھلک رہا ہے نظر آ رہا ہے، یہ جائز نہیں. تو باریک کپڑا ہوتا اس میں جھلکتا ہے. تو اب جب قبر میں پہنچیں گے تو ابھی ہم آخرت میں نہیں پہنچے، ابھی تو دنیا ہی میں ہیں، لیکن آخرت کے بارڈر پر پہنچ گئے، اتنے قریب پہنچ گئے کہ بیچ میں جو پردہ ہے اب وہ تھن موٹا نہیں رہا، اب پتلا پردہ ہو گیا، اب وہاں سے آخرت جھلک رہی ہے. یہ جو جنت کی طرف کھڑکی کھلی ہے اور ادھر سے ہوائیں آ رہی ہیں، روشنی آ رہی ہیں، یہ پردہ باریک ہو گیا تو اب ادھر کی دنیا جھلکنے لگی. تو دوسری نعمت قبر میں پہنچتے ہی مومن کو یہ ملے گی، قبر چوڑی ہونے کے بعد میں دوسری نعمت جنت کی طرف کھڑکی کھل جائے گی. تیسری نعمت یہ ہے کہ فرشتے قبر میں 0 لائٹ جلا دیں گے، قبر میں روشنی کر دیں گے. تو بالکل اندھیرا ہو، گہرا اندھیرا ہو اور اکیلا کمرے میں ہو تو چاہے مضبوط دل کا ہو لیکن وحشت ہوتی ہے، سوتے کمزور دل کا تو ایسے کمرے میں سو ہی نہیں سکتا، لیکن مضبوط دل کا آدمی ہو تو اس کو بھی وحشت ہوتی ہے. تو قبر میں اگر اندھیرا رہے تو مومن کو وحشت ہوگی، تو وہاں 0 لائٹ جلائیں گے. یہ دوسری نعمت ہے، قبر میں ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی ہے، اب بڑا مزیدار کمرہ بن گیا ہے.
اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ فرشتے کہیں گے نم کا نو متل عروس لا یوقظھا الا احب اہلہ الیہ، فرشتے کہیں گے کہ سو جا. جیسے دلہن شب عروسی کے کمرے میں پہنچائی جاتی ہے، خاندان کی لڑکیاں دلہن کو اس شب عروسی کے کمرے میں پہنچاتی ہیں، اور پھر ایک کھسک گئی، دوسری کھسک گئی، تیسری کھسک گئی، بس دلہن اس کمرے میں رہ گئی، وہ سمجھ رہی ہے اب اس کمرے میں کوئی نہیں آئے گا، اور دلہن دلہا کے انتظار میں چارپائی میں پڑ کر سو جائے گی. لیکن یہ سوئی ہے صبح تک کے نیت سے نہیں، دلہا کے انتظار میں سوئی ہے. اب اس کمرے میں اس کا جو محبوب ترین شوہر ہے وہی اس کمرے میں آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا شب عروسی کے کمرے، اور وہ آ کر اٹھائے گا، اور اسی کے آنے کے اور اٹھانے کے انتظار میں یہ دلہن سوئی ہے. تو فرشتے یہی بات کہیں گے، نم کا نو متی لاروس لا یو پیزوہ اللہ احب واہ لے، دلہن کی طرح سو جائے. یعنی ہمیشہ کے نہیں سونا، کسی کے انتظار میں سونا ہے کہ وہ آئے اور اٹھائے اور سو جائے. پوکو وہ دلہا کون آئے گا؟ اب اس کو قبر سے کون اٹھائے گا؟ قیامت کے دن اللہ ہی اٹھائے. اب اس کو قبر میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرنے کا. اب قیامت کا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا، تب اللہ تعالی قبر سے اس کو اٹھائیں گے، اور اب دوسری نئی زندگی شروع ہو. یہ تو مومن کا حال، اور اگر دوسری طرح کا منافق یا کافر ہے تو فرشتے اس سے کہیں گے ہم پہلے سے جانتے تھے، نالائق بدتمیز بھینس کا انڈا، ہم تجھے پہلے سے جانتے تھے کہ تو مومن نہیں ہے، کافر ہے، بدتمیز ہے، تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ریکارڈ تیار کرنے کے لیے ہم نے پوچھا ہے، تجھ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پہلا حکم وہ قبر کو دیں گے کہ مل جا. تو قبر جو ملے گی اس کو کھینچے گی تو پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی. پھر یہ فرشتہ آئے گا برج لے کر. برج جانتے ہو، ہندوستان میں ہندوؤں کے یہاں ہنومان کا جو فوٹو بنتا ہے تو وہ ایک چیز یوں کندھے پر لیے رہتا ہے، وہ برج. وہ برج کو سمجھنے کے لیے وہ فوٹو بنایا ہے انہوں نے. تو ایک فرشتہ برج لے کر آئے گا، اور وہ برج اتنا زور سے اس کے سر پہ مارے گا کہ میت اتنی چیخے گی کہ ہر مخلوق اس کی چیخ کو سنے گی، انسان اور جنات کے علاوہ. انسان اور جنات سے پردہ رکھا گیا، اگر انسان اور جنات اس آواز کو سنے بے ہوش ہو جائے، اس لیے ان سے اللہ نے پردہ رکھا، باقی ہر مخلوق سنے گی. کسی کو فرشتہ بڑا پتھر لے کر آئے گا اور سر پہ مارے گا زور سے، سر کچل جائے گا، پتھر لڑک جائے گا. وہ جا کر پتھر لے کر آئے گا، اتنی دیر میں سر صحیح ہو جائے گا، پھر آ کر مارے گا. یہی عذاب اسے قیامت تک ہوتا ہے. غرض کسی کو کچھ کسی طرح سے عذاب، کسی کو کسی طرح سے عذاب، یہ سب قبر میں ہوتا رہے گا. اس کا حال یہ ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا. میرے بھائیو، اسی کا نام ہے قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب. یہ جو کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ آگاہ مسئلہ ہے. شرع عقائد میں جو ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ پورا مسئلہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ آگاہ مسئلہ ہے. پورا کمپلیٹ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کے لیے قبر میں انعامات اور راحتیں ہیں، اور اللہ کے گنہگار برے بندوں کے لیے قبر میں عذاب اور سختیاں ہیں. اب کمپلیٹ مسئلہ یہ ہو. بہرحال یہ جو عذاب قبر ہے،
उसका कुरान करीम की 5-6 आयतों में 7 क्लियरली हुक्म जिक्र है, और ये सूरत पाक में यही है। हजरत अली ने कहा ये जब सूरत पाक नाजिल हुई तो हमारा तजव्वुज़ खत्म हो गया कि अज़ाब में कब्र होना है, ये आधा मसला है। अज़ाब कब्र के अंदर मोमिनीन को राहत और नेमतें पहुंचनी है, ये हमें यकीन हो गया। कुरान ने कहा कब्रिस्तान पहुंचने से दुनिया में तुम फंसे हो, लेकिन अगली जिंदगी तुम जानोगे तब थोड़े दिनों के बाद। कल्ला सो पता लम तुम कल्ला सो पता लम कल्ला लो तालमूना इल्म यकीन। काश तुम कब्र की जिंदगी को आज यकीनी तौर पर जानो। जब कब्र में पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पर जानेंगे, दो चार हो गए, उस दो चार होने से क्या फायदा है मेरे भाई। काश उसको अगर हम आज यकीनी तौर पर जान लेते तो उस दिन के लिए आज तैयारी करते और कब्र में अजाब के बजाय राहतों से दो चार होते। अब मेरे भाई रुको, बाद वही बंदे जो दीन तो कम पढ़े हुए हैं और दुनिया ज्यादा पढ़े हुए हैं, जिनको दीनी हकाइक में तजब्जुब रहता है, उनकी खोपड़ी में बात नहीं आती है, वो कहते हैं अजाब कब्र कैसे होगा हमें समझा दो। तो हां समझा सकते हैं, हम दिखा नहीं सकते, समझा सकते हैं। एक मिसाल लो मेरे भाई, मेरे पास में 3 तरह के टेलीफोन हैं। एक टेलीफोन ये हिंदुस्तान के एतबार से कह रहा हूं, आपके एतबार से नहीं कह रहा, आपके यहां टेलीफोन कितनी तरह के हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे घरों में जो लैंडलाइन है, हिंदुस्तान में 3 तरह के टेलीफोन होते हैं। एक कहलाते हैं PCO, ये टेलीफोन शहर की हद तक जाता है, शहर से देवबंद से मुजफ्फरनगर वो टेलीफोन नहीं जाएगा, देवबंद के तमाम टेलीफोनों तक जाएगा, उसको हम कहते हैं PCO। एक दूसरा टेलीफोन है उसका नाम है STD, ये टेलीफोन नेशनल है, पूरे इंडिया में जाएगा। इंडिया से मुत्तसिल पाकिस्तान की बस्ती या बांग्लादेश की बस्ती या नेपाल की बस्ती नहीं जाएगी, इंडिया की वजूद में जो भी बस्ती है वहां तक वो टेलीफोन जाएगा, और उस टेलीफोन का नाम है STD। एक तीसरा टेलीफोन है उसका नाम है ISD, ये इंटरनेशनल है, ये टेलीफोन जिसके पास है दुनिया के हर मुल्क में जाएगा। ये 3 तरह के टेलीफोन है। अब आप इस पर गौर कीजिए, जो पहला टेलीफोन है वो देवबंद से मुजफ्फरनगर क्यों नहीं जाता, दूसरा टेलीफोन है इंडिया से पाकिस्तान क्यों नहीं जाता, और तीसरा टेलीफोन सारी दुनिया में क्यों जाता है, इस पर गौर कीजिए। आप यही तो कहेंगे कि एक एक्सचेंज मशीन है, हमारे टेलीफोन का रब्ता एक्सचेंज में जो मशीन है उस मशीन के वास्ते से मकामी टेलीफोनों के साथ है, तो यही तो टेलीफोन जाएगा। नेशनल टेलीफोनों के साथ है तो पूरे मुल्क में जाएगा, इंटरनेशनल टेलीफोनों के साथ है तो पूरी दुनिया में जाएगा। ये जो एक्सचेंज ऑफिस में जो मशीन रखा है उस मशीन के वास्ते से ये चुनांचे हमारा टेलीफोन रखा है, कहीं नहीं बज रहा, न हमारा बज रहा है न कहीं और बज रहा है। अब हमने रिसीवर उठाया और एक नंबर डायल किया, तो नंबर डायल करते ही अगर पहली किस्म का टेलीफोन है तो देवबंद के किसी घर में बजने लगा, मुल्क का है तो हिंदुस्तान के किसी शहर के किसी घर में बजने लगा, दुनिया का है तो दुनिया में कहीं टेलीफोन बजने लगा, या किसी ने नंबर डायल किया तो हमारा टेलीफोन बजने लगा। तो ये मुअय्यन टेलीफोन क्यों बजता है, इस मिसाल में आप गौर करो। देखो PCO में शहर के हर टेलीफोन से जो ताल्लुक है
वो हुक्मी ताल्लुक है, इसलिए टेलीफोन कहीं नहीं बैठता। और जब नंबर डायल किया तो एक खास नंबर के साथ हकीकी ताल्लुक कायम हो गया। एक हुक्मी ताल्लुक है और एक हकीकी ताल्लुक है। मेरे भाइयों, अब हम जिंदा हैं, हमारी रूह का हमारे बॉडी के साथ हकीकी ताल्लुक है। जब हम मर गए तो रूह गई, ये आलम बर्बाद करवा। उर्दू में क्या कहते हैं? गुजर गया। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पास अवे। बंगला में क्या कहते हैं? चला गया। इसका मतलब है कि आदमी जिसका नाम था अब्दुल रहमान तो चला गया। अब्दुल रहमान रूह का नाम था, वो चला गया। कहां चला गया? आलम में, कब्र में चला गया। आलम वर्ल्ड ऑफ कब्र, वहां चला गया। और ये चारपाई पर क्या खड़ा है? का ये लाश है। ये लाश अरबी लफ्ज है, यानी लाश है उन नथिंग, ये कुछ भी नहीं। देखो, रूह और बदन अलग हो गया। इस जिंदगी में हमारी रूह और हमारे बदन एक साथ है। रूह का बदन के साथ ताकती ताल्लुक है, रियल। मर गए, मर गए, रूह अलग, जिस्म अलग। जिसम चाहे ये जिसम हो, चाहे मिट्टी खाकर मिट्टी का हिस्सा बन जाए, तो भी वो हमारा जिसम है। अब रूह और जिसम के दरमियान में रियल ताल्लुक, तहकीकी ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन लीगल ताल्लुक अब भी कायम है, हुक्मी ताल्लुक अब भी है। रूह गई अपनी जगह, बदन गया मिट्टी में, लेकिन रूह का बदन के साथ लीगल ताल्लुक है, हुक्मी ताल्लुक है। कैसे मालूम हुआ? ऐसे मालूम हुआ जब कयामत के दिन पहली मरतबा सूर फूका जाएगा और तमाम कायनात खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी मरतबा सूर फूका जाएगा और अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे, तो हमारी जिस्म के जो मिट्टी हो गई है, उस मिट्टी में से रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा और हमारी बॉडी दोबारा बनेगी और तमाम बॉडियां उग कर जमीन में से निकल आएंगी। जैसे गर्मियों में बरसात होती है तो हफ्ते के अंदर सारे जंगल में घास निकल आती उग कर, ऐसे सब बॉडियां निकल आएंगी। फिर वो रूहें वहां से रिवर्स की जाएंगी, जो रूहें आगे गई उनको रिवर्स करेंगी। मेरे भाइयों, क्या ख्याल है? जब वो सारी रूहें न्यूयॉर्क में आएंगी तो जो कमरा खाली मिला उसमें घुस जाएंगी या अपनी ही बॉडी में जाएंगी? क्या ख्याल है आपको? अपनी ही बॉडी में जाएंगे। सवाल ही को अपनी बॉडी पहचानती कैसे? रूहें अपनी बॉडी कैसे पहचानती? मालूम हुआ कि ये जो दरमियानी जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी और आज आप कयामत की जिंदगी शुरू होने वाली है, ये दरमियान में कब्र की जिंदगी है। इस जिंदगी में भी रूह का बदन के साथ ताल्लुक बढ़ता है। ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। अगर ताल्लुक खत्म हो गया होता तो रूह अपने जिस्म को कैसे पहने? जमीन पर करोड़ों बाडियां खड़ी, अरबों खरबों बाडियां खड़ी, हर रूह अपनी ही बाडी में जाए। सवालिक अपनी ही बाडी में कैसे जा रही है? कोई न कोई रब्ता है। पर जब रब्ता है तो जैसे ये टेलीफोन की मिसाल थी कि टेलीफोन का मकामी, मुल्की, इंटरनेशनल सब टेलीफोनों से रब्ता हो तो नंबर डायल करने से घंटी बजेगी। अगर एक्सचेंज के वास्ते से रब्ता न हो तो नंबर डायल करने से जवाब आएगा कि आपके टेलीफोन पर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। एक्सचेंज से जवाब आएगा कि आपके टेलीफोन पर ये फैसिलिटी हासिल नहीं है, आप खामा का टकरे मार रहे। तो देखो, ये समझना है कि कब्र रूह असल तो है रूह पर, नेमतें रूह पर होंगी, सजाएं रूह को होंगी, लेकिन सिर्फ रूह पर नहीं होंगी। रूह का क्योंकि ताल्लुक जिस बदन के साथ और बदन के अज्जा के साथ है, और रियल ताल्लुक खत्म हो गया मगर लीगल ताल्लुक है, हकीकी ताल्लुक खत्म हो गया मगर हुक्मी ताल्लुक है, जैसा कि टेलीफोन। बस अजाब रूह को होगा मगर सिर्फ रूह को नहीं होगा, रूह के साथ बदन और बदन के अज्जा को भी होगा।
और नेमतें भी सिर्फ रूह को नेमत नहीं होंगी, नेमत रूह के साथ बदन के और बदन के अज्जा को भी हो, क्योंकि उसके साथ लीगली ताल्लुक है। बहरहाल इतना बात को समझने के लिए बहुत काफी है, इस मिसाल के जरिए से आप बात को समझ सकते हैं। बहरहाल इन तीन चार आयतों में अजाब कब्र की जिंदगी का जिक्र है कि कल हरगिज नहीं का मतलब ये दुनिया की गफलत ठीक नहीं, या तो अगली जिंदगी के बारे में तजद्दुद ठीक नहीं, सब पता आलमू कुछ वक्त के बाद तुम जान लो, सुन मकल्ला सब पता आलम फिर ये बात कहता हूं हरगिज नहीं थोड़े वक्त के बाद तुम जान लो, कल्ला लो तालमून इल्म अल यकीन हरगिज नहीं काश तुम इस दुनिया में यकीनी तौर पर जानती, जानता तो हर आदमी है लेकिन जानना है ये अकल का जानना है, वो काफी नहीं, ये जानना वहां से उतरे और दिल उसका यकीन कर ले, ऐसा तुम जानो इस दुनिया में तो बेड़ा पार हो सकता है, बेड़ा पार हो सकता है वरना कश्ती मझदार में डूब सकती है। बेड़ा जानते हो, ये जो शिप समंदर में जो शिप चलती है उसको उर्दू में बेड़ा कहते हैं, और पान को मोड़ करके उसमें लौंग फंसा दें तो इसको बीड़ा कहते हैं, वो बेड़ा है ये बीड़ा है, तो बेड़ा पार होना यानी अगले किनारे पर कश्ती का पहुंचना, इस दुनिया में जानो तो बेड़ा पार हो सकता है, और अगर इस दुनिया में नहीं जाना तो फिर कश्ती मझदार में डूब सकती है। इसलिए कुरान ने कहा कल्ला सौ पता कल्ला लौ तालमून इल्म अल यकीन, फिर अब तीसरी जिंदगी शुरू हो रही है, मैंने कहा था कि इस सूरत में तीनों जिंदगियों का जिक्र है, अब तीसरी जिंदगी शुरू हो रही लतरउन अल जहीम, अलबत्ता जरूर तुम दोज़ख को देखोगे, ये भी आधा मसला है, दोज़खी दोज़ख को देखेंगे, जन्नती जन्नत को देखेंगे, उज़्ज़िफ़तिल जन्नतु लिल्मुत्तक़ीन व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल्ग़ावीन, क़यामत के दिन जन्नत परहेज़गारों के लिए नजदीक कर दी जाएगी, ये रही, और गुमराह लोगों के लिए दोज़ख ओपन कर दी जाएगी, उनको नजर आएगी ये दोज़ख। तो लतरउन अल जहीम या आधा मजमून, अलबत्ता जरूर तुम दोज़ख को देखो, दोज़ख को कब देखेंगे, जब कब्र की जिंदगी खत्म हुई, सूर फूके गए, आखिरत की जिंदगी शुरू हुई, अब तीसरी जिंदगी शुरू हो रही है, और तीसरी जिंदगी शुरू होते ही जन्नतियों को जन्नत नजर आने लगेगी, जहन्नमियों को जहन्नम नजर आने लगेगी, यानी इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में फिलहाल तो मोटा पर्दा है, कब्र में वो बारीक पर्दा हो जाए, कयामत का दिन शुरू हुआ पर्दा उठ गया, इस दुनिया और आखिर दो दुनियाओं के दरमियान पर्दा है ही नहीं, तो जब पर्दा नहीं है तो कयामत के मैदान में, कयामत का मैदान इसी जमीन का मैदान है, और कयामत का दिन इस दुनिया का लास्ट डे है, अलियाउम आखिर, अभी आखिरत में नहीं पहुंचे, इस दुनिया के आखिरी दिन में हिसाब किताब होंगे, फिर दो दुनियाओं के बीच में ब्रिज कायम किया जाएगा, पुल सिरात, फिर उस पर से गुजर करके मखलूकात इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाएगी, जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमियों को पुल सिरात के नीचे आंकड़े लगे हुए हैं वो पकड़ करके नीचे ले जाएंगे, और मुकल्लफ मखलूकात इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी मखलूकात है वो सब दोबारा पैदा की जाएगी, उनमें भी इंसाफ होगा और इंसाफ होकर उनको मिट्टी कर दिया जाएगा, वो जन्नत और जहन्नम में नहीं जाएंगे। तो बहरहाल अभी हम मैदान कयामत में खड़े हैं इस दुनिया में, लेकिन आखिरत और इस दुनिया के दरमियान में जो बारीक पर्दा था वो भी उठ गया,
अब मैदान कयामत में खड़े खड़े हमको जन्नत भी नजर आ रही, जहन्नम भी नजर आ रही। क्यों? उस दुनिया में डिस्टेंस नहीं है, उस दुनिया में आर और पहाड़ नहीं है। हम कयामत के मैदान में खड़े हैं और ये जन्नत नजर आएगी, गुमराहों को जहन्नम नजर आएगी। तो कुरान करीम ने कहा कि लतरउन जहीन सुम लतरउन आयन यकीन। कहा जब तुम्हें जहन्नम नजर आएगी तो अब अकल से नहीं, दिल से नहीं, सर की आंखों से तुम्हें नजर आएगी। इसका नाम आयनुल यकीन है, यानी जो बात यकीन यकीनी यकीन से हम जानते, जो आंख से नजर आ रही है आखिरी दर्जा है, इससे आगे कोई दर्जा नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो वस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से दुआ की थी, रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौत, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दिखलाइए कि आप कयामत के दिन मुर्दों को कैसे जिंदा करें। तो अल्लाह ने पूछा अवलम तुमिन, इब्राहिम तुम्हें मेरी सिफत पर इतना यकीन नहीं है? तो हजरत इब्राहिम ने कहा भला क्यों नहीं, भला के लिए मैं नकल दू, मैं आंखों से देखना चाहता हूं ताकि दिल मुतमईन हो जाए। तो ये जो यकीन है कि अल्लाह जिंदा करेंगे, मारते हैं जिंदा करेंगे मरे हुओं को, इसका में यकीन है। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश ये थी कि जिंदा होना आंखों से देख लें तो यकीन का मरतबा बढ़ जाए, और ये आखिरी मरतबा है आंखों से देखना, इससे आगे और कोई मरतबा नहीं। तो कुरान कह रहा है कि लतरउन्नल जहीन, अलबत्ता जरूर तुम दोजख को देखोगे, सुम लतरउन्नहा आइनल यकीन फिर, अलबत्ता जरूर तुम जहन्नम को सर की आंखों से देखोगे, यकीन की आंखों से देखो। फिर क्या हो, ये आधा मसला लेकर चल रहे हैं, गुमराहों को दोजख दिख रही है, सर की आंखों से दिख रही है। दूसरा आधा जो छोड़ दिया है वो ये है कि नेक बंदों को जन्नत दिख रही है और जन्नत सर की आंखों से दिख रही है। सुम्मा लतुस अदुन्ना यौमा इदिन अनिन्नईम। फिर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल हो, कयामत का दिन शुरू हुआ, कयामत के दिन में अल्लाह ने जो तुम पर जो जो नेमतें तुम पर की हैं उन नेमतों का हिसाब लो, सवाल आते हो। अल्लाह ने कितनी नेमतें की, बेहिसाब नेमतें दी, और एक एक नेमत में हजारों पहलू हैं। ये जो सिर्फ आंख है, आई इंसाइक्लोपीडिया, इतनी वॉल्यूम है कि पूरी अलमारी भर जाती है, सिर्फ आंख के ऊपर इतनी वॉल्यूम लिख दिए लोगों ने। तो एक एक नेमत उसमें इतने पहलू हैं, तो इन तऊदु नेमत अल्लाह ला तुहसू, अगर एक नेमत के पहलू तुम गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। ऐसी बेहिसाब अल्लाह ताला ने नेमतों से हमें सरफराज किया है, इन सब नेमतों का हिसाब हो। तुम लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, वो नेमतें क्या क्या हैं? अब वो नेमतें मैं कहां कहां तक तुम्हें मेरे भाइयों गिनाऊं, बेहिसाब नेमतें हैं। एक हदीस सुनाकर बात खत्म करो। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फाते से कई दिन से खाने को नहीं मिला, गर्मियों का जमाना था और थाका होता है तो दोपहर को कैलूला करने लेटेगा, नींद ही नहीं आएगी, जब पेट में चूहे चूहे कुल होल्ला पड़ेंगे तो नींद कहां से आएगी। जब नींद नहीं आई तो हुजूर कमरे में से निकले, हुजूर कमरे में से निकलेंगे तो मस्जिद में निकलेंगे, तो हुजूर निकल कर मस्जिद में खड़े हैं, हजरत अबू बकर का दरवाजा खुला, वो भी मस्जिद के कमरों में से एक कमरा, हजरत अबू बकर निकले, वो भी भूखे हैं, फाके से हैं, उनको भी नींद नहीं आ रही। तो
वो निकले, देखा हुजूर मस्जिद में खड़े, तो उन्होंने हुजूर ने पूछा अबू बकर ये ना वक्त क्यों निकले? दोपहर को अरब में सख्त गर्मी होती है, उस वक्त कोई घर से नहीं निकलता, क्यों निकले? तो हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आपकी खिदमत में हाजिर हूं, थोड़ी देर बातें करूं, दिल को तसल्ली हो जाए, फिर आगे लेट जाऊंगा, नींद आ जाएगी। हकीकत छुपाई हजरत अबू बकर ने, हकीकत छुपाई। हकीकत यह था कि बाकी की वजह से नींद नहीं आ रही, अब जब नींद नहीं आ रही तो महबूब के पास में जाएंगे, दो घड़ी बात करके आएंगे, तसल्ली हो जाएगी, नींद आ जाएगी, मगर बात छुपाई। खैर दोनों खड़े हैं, थोड़ी देर हुई हजरत उमर का दरवाजा खुला, हजरत उमर निकले, उनका भी यही हाल है, फाके की वजह से कई दिन से खाया नहीं, वो आए सलाम अलैकुम। हुजूर ने पूछा उमर ये ना वक्त क्यों निकले? तो हजरत उमर तो बेबाक थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह भूख लग रही है, दो दिन से खाने को नहीं मिला, लेटा था सोने के लिए, नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा कि हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर थोड़ी देर बातें कर लूंगा, तसल्ली हो जाएगी। तो हजरत अबू बकर अब खुले, कहने लगे या रसूलल्लाह मेरा भी यही है। तो हुजूर का जुमला, हुजूर ने फरमाया इन्नी अजीद वाला लेकर, मेरा भी कुछ कुछ ही हाल है। तो कितना मुख्तार जुमला, फरमाया इन्नी अजीद वाला लेकर, मेरा भी कुछ कुछ यही हाल है। अब तीनों आपका मस्त खाने को तो यही है, अहले ताल्लुक है, किसी को घर में खाना है ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया एक अंसारी सहाबी थे, उनका बाग था, उनका नाम था अबुल हैसम इब्नु तैयहान, उनका खजूरों का बाग था, गर्मी का जमाना था, बाग में खजूरें पक रही हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि चलो अबुल हैसम के बाग में चलते हैं। देखो यहां से मस मालूम हुआ कि जिससे बेतकल्लुफ के ताल्लुकात हों उसके यहां ऐसे मौके पर जा सकते हैं, कह गए फला हमारा दोस्त है, उसके यहां कुछ खाना होगा, चलो वहां जाकर खाते हैं, बेतकल्लुफी में ऐसा हो सकता है। तो हुजूर के बेतकल्लुफी के ताल्लुक थे हजरत अबुल हैसम के साथ, तो हुजूर ने फरमाया चलो अबुल हैसम के यहां चलते। चुनाते तीनों बुजुर्ग चले और गर्मियों में धूप में चलकर अबुल हैसम के बाग में पहुंचे। बाग में पहुंचे तो आवाज दी, तो उनकी अहलिया ने जवाब दिया, देखो अरबों में जब बाग पर फल पकने को आते थे तो बाग वाला अपनी फैमिली लेकर बाग में चला जाता था और झोंपड़ी बनाकर रहता, क्यों? बाग में चिड़िया उड़ानी होती हैं, रोजाना खजूरों पर चढ़ चढ़ कर पक्की खजूरें लानी होती हैं, फिर खोशे काट काट करके उसको सुखाने पड़ते हैं, और काम होता है, तो घरवाली भी काम में मदद, बच्चे भी मदद करेंगे। तो अरब का ये दस्तूर था कि जब बाग पकने के लिए आता था तो आदमी अपनी फैमिली लेकर बाग में चला जाता। तो हजरत अबुल हैसम की फैमिली बाग में है, तो आवाज दी, तो उनकी फैमिली ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह वो मीठा पानी लेने के लिए गए हैं और काफी देर से गए हैं, अभी आते ही होंगे, आप तशरीफ रखें। आमने सामने नहीं, पर्दे से जवाब आया। मालूम हुआ कि किसी के घर जाएं तो पर्दे से जवाब ऐसा औरतें अजनबियों को दे सकती हैं। चुनांचे हुजूर और हजरत अबू बकर और हजरत उमर, एक छोटी सी खजूर थी, खजूर के छोटे दरख्त भी बड़े भी, एक छोटी सी खजूर के नीचे साया था, ये तीनों साये में बैठ गए अबुल हैसम का इंतजार। थोड़ी देर हुई, अबुल हैसम चमड़े की मश्क पानी से भरकर कमर के ऊपर लाद कर झुके झुके आ रहे हैं, अभी बाग में पहुंचा, तीनों बुजुर्गों को देखा तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हुजूर को बाग में लाना कोई आसान थोड़ी है, हुजूर के पास कहां इतना टाइम है।
आज बगैर बुलाए ये नेमत हासिल हुई। तो जल्दी से यात्रा मुस्तरब थी और फिर आए और हुजूर से निपट गए वहां ने कहा किया सबसे। और फिर वो जो पानी लाए थे तो उस खजूर के दरख्त छोटे से दरख्त के नीचे छिड़का और छिड़क करके जमीन ठंडी की और इन हजरात को वहां बिठाया। कोई बिठाने की जगह और तो कोई है ही नहीं। फिर चुपके से खिसक गए और कहीं खजूर के दरख्तों पर चढ़ गए और पूरा खोशा फाट करके लाए। अब उस खोशे में कुछ दाने तो पक्के हो गए हैं, कुछ कच्चे हैं, यानी नीम कच्चे हैं। तो हुजूर ने फरमाया तो भाई सारा खोशा क्यों काट लाए, इसमें से पक्के पक्के दाने क्यों कर ले आते। अब तू सारा खोशा लाए, आधे तो पक्के हैं आधे कच्चे हैं, ये कच्चे बेकार गए। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं सारा खोशा इसलिए लाया हूं कि जिसको पक्का आम पसंद है वो पक्का आम खाए। और बाल लोगों को कच्ची कैरी भी पसंद होती है, नमक डालकर कच्ची कैरी खाते हैं, तो जिसको ये पसंद हो ये खाए। कितना शानदार जवाब दिया कि जिसको पक्का दाना पसंद है वो पक्का दाना खाए, तो जिसको नीम पक्का दाना खजूर का पसंद है वो नीम पक्का खाए। खैर तो दिल खुश करने वाला जवाब है। खैर ये लोग खाने लगे, पक्के पक्के दाने लेकर खाने लगे। किसी को अगर दाना अधकचरा दाना पसंद है तो अधकचरे दाने भी हैं वो खाओ। फिर ये चुपके से उठे जाने लगे तो हुजूर समझ गए कि खाने का इंतजाम करने वाला है। और वहां खाना क्या हो गया, घर में तो आटा तो हो सकता है लेकिन गोश्त तो हो नहीं सकता है, सब्जी हो नहीं सकती है, गुजारे फ्रीज कहां थे और जंगल में कहां से होगा। तो कोई बकरी जबाह करेंगे और जबाह करके गोश्त पकाएंगे रोटी पकाएंगे। ये भी उठकर जाने लगे तो हुजूर समझ गए कि ये खाना का इंतजाम करने जा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया दूध वाली बकरी जबा न कर डालियो, जैसा ये खजूर का खोशा मोहब्बत में तुम तोड़ लाए हो आधा पक्का आधा कच्चा, तो घर में जो दूध की बकरी है उसे कभी जबा न कर डालियो खुशी में। क्यों दूध वाली बकरी जबा कर दिया, बच्चों के लिए दूध भी रहा तो क्या परेशान हो जाएंगे बच्चे। ये किस्सा दूसरा सुनाऊं बीच में। हाकिम का अरब का बड़ा सखी आदमी गुजरा है और इस्लाम से पहले गुजरा है। हातिम ताई ने हुजूर का जमाना नहीं पाया। हातिम ताई के लड़के हजरत अदी वो सहाबी, उन्होंने इस्लाम का जमाना पाया है लेकिन हातिम ताई का पहले का जमाना है। यमन के बादशाह को ये खबर पहुंची कि हातिम ताई का एक घोड़ा है इतना शानदार ऐसा वैसा कीमती, तो यमन के बादशाह ने तीन चार आदमियों का वफद भेजा कि हातिम ताई से वो घोड़ा लाओ जिस कीमत पर भी मिले। खैर वो लोग यमन से सफर करते 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 हातिम ताई के यहां पहुंचे। हातिम ताई बद्दू था, जंगल में अरब कबीलों में जंगलों में रहने वालों में से था हातिम ताई। उसके अब मेहमान आ गए, इत्तिफाक से हातिम ताई के पास इन मेहमानों के लिए कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी जिससे इन मेहमानों की खातिरदारी करे, तो सिर्फ वो घोड़ा था। तो उसने वो घोड़ा जबा कर दिया, इन मेहमानों की दावत के लिए वो बड़ा घोड़ा जबा किया और पका वका करके खूब खिलाया मेहमानों। घोड़ा तो खाते ही दूसरे, इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद के नजदीक भी घोड़ा हलाल है और हमारे यहां इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद के नजदीक भी घोड़ा हलाल है। और ये उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान में मैं गया था तो वहां दुकान पर घोड़े का बहुत बिकता है, वहां सब अनपी है। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के नजदीक घोड़े का गोश्त मकरूह है और जो हुक्म गोश्त का है वही दूध का है। जब घोड़े का गोश्त हलाल है तो घोड़ी का दूध भी जाइए, गधा हराम है तो गधी का दूध भी हराम है, ये कायदा कुल्ली है।
गोश्त हलाल तो दूध हलाल, गोश्त हराम तो दूध हराम। तो उसने वो घोड़ा जबा किया, खूब खिलाया, जब खावा तो फारिग हो गए। तो पूछा उनसे, आप हजरात बहुत दूर से तशरीफ लाए किस मकसद से? तो उन्होंने बतलाया कि हमारे यहां के जो बादशाह है उसको ये खबर पहुंची है कि आपके पास बड़ा शानदार घोड़ा है, ऐसा है वैसा है, तो वो बादशाह आरजू रखता है कि आपका आप वो घोड़ा उस बादशाह को दे दें, चाहे हदिया दे दें, चाहे किसी कीमत पर दे दें, उस घोड़े के लिए आए हैं हम। तो उसने कहा, अफसोस, उस घोड़े को तो तुम लोगों ने खा लिया। हाकिम काय ने कहा, अफसोस, उस घोड़े को तो तुम लोगों ने खा लिया, उसी घोड़े को दबा करके मैंने तुम्हारी दावत की। तो आदमी मोहब्बत में सखी आदमी होता है, सखी आदमी नहीं देखता कि कीमती चीज या गैर कीमती, वो तो मेहमान की खातिरदारी के लिए हर काम करेगा। तो हुजूर ने यह एहसास किया कि कहीं दूध की बकरी जबा न कर दे दावत के लिए, तो हुजूर ने हिदायत की कि दूध की बकरी जबा न कर दे। खैर, उन्होंने कोई जानवर बकरी जबा की, गोश्त पकाया, रोटी पकाई, सब हजरात ने खाए। इतनी देर में जोहर का वक्त हो गया, तो सबने वजू किया। क्यों? जोहर का वक्त है, फजर की वजू कहां होगी? तो सबने वजू किया और वजू करके जोहर पढ़ी सबने यहां। फिर जोहर पढ़ करके फिर उसी खजूर के दरख्त के साए में सब हजरात बैठ गए, बातें शुरू हुई। इतनी देर बातें होती रही कसर का वक्त। इस दरमियान में फिर नाश्ता आया। उस नाश्ते में क्या आया? जो बकरी जबा की थी उसके जो हिस्से तफक्को के तौर पर, खुश तबी के तौर पर खाते हैं, जैसे गुर्दे हैं, कलेजी है, ऐसे अज्जा है नाश्ते में, तो सबने नाश्ता किया। फिर जब असर का वक्त हुआ तो किसी ने वजू नहीं किया और असर की नमाज पढ़ी। इससे मालूम हुआ कि एक हदीस है कि आग पर पकी हुई चीज खाई पी जाए तो वजू टूट जाती, दूसरा वजू करो। ये हुक्म दौरे इस्लाम में पहले का था, बाद में ये हुक्म नहीं रहा। देखो इस वाकये में जोहर में तो सबने वजू किया, मगर असर से पहले नाश्ता किया है, उसमें बकरी के भेजा, कलेजी, गुर्दे ये सब पके हुए खाए हैं, और फिर असर की नमाज बगैर वजू के सबने पढ़ी, मालूम हुआ वो जो दौरे अव्वल का हुक्म था वो खत्म हो गया, बाद में दूसरा हुक्म लिए। खैर, उस मौके पर हुजूर ने फरमाया, जानते हो, जिल्लुन बारिदुन व माउन बारिदुन। देखो खजूर का साया, नीचे पानी छिड़क रखा है, उसको सब बैठे हैं, ठंडा साया है, और ये पानी लाए हैं मश्क के अंदर, ठंडा हुआ हुआ पानी, और खाना आया है लजीज। तो हुजूर ने फरमाया ये तीन चीजें, काम लजीज व माउन बारिदुन व जिल्लुन बारिदुन, ये नेमतें हैं जिसका कयामत के दिन सवाल होगा। उस मौके पर हुजूर ने फरमाया था कि आयत में जो आया है, सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे कयामत के दिन नेमतों के बारे में पूछा जाएगा कि मैंने तुझे, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे ये नेमत दी थी, ये नेमत दी थी, ये नेमत दी थी, ये नेमत दी थी, इन नेमतों का तुमने क्या हक अदा किया? मेरे भाइयों, आप दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में आपको बेशुमार नेमतें हासिल, कोई ऐसी नेमत नहीं है जो आपको हासिल न हो। मेरे भाइयों, इन सब नेमतों के बारे में सवाल होंगे कयामत के दिन के, तुमने इन नेमतों के क्या हक अदा किए? अगर नेमतों के हक अदा किए हैं तो बेड़ा पार है, और अगर नेमतों की नाशुक्री की है, नेमतों का हक अदा नहीं किया है, तो उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, आज की गुफ्तगू का हासिल यही है कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से हमें सरफराज कर रखा है,
लिहाजा भाइयों हर हर नेमत का हक अदा करो। नेमतों का हक अदा क्या है? नेमतों का हक ये है कि अल्लाह ने जो दीन भेजा है, जो शरीयत भेजी है, उस पर जुज रसी के साथ यानी हर हर छोटे बड़े हुक्म पर अमल करें, तो ये अल्लाह की नेमतों का शुक्र है। वाकिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो मेरा नमस्कार। नाम सब एलम।